हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका केडी कैंपस लाइफ में। मैं अनुज कुमार सिंह। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर एक नंबर का और क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम के अंदर, ईपीएफओ के एग्जाम में, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। आपने सिलेबस में अगर देखा हो तो जर्नल और लेजर होगा। थ्योरी का पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया है, अब जर्नल, लेजर और आपका इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्री। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस बता दूं। देखो, सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होता है, यानी आपने सील किया, परचेज किया, तो आपके पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, इसके बाद आप क्या करते हो, इस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, सेल, परचेज, जो बिल है ना, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके मदद से आप सबसे पहला स्टेप करते हो जर्नल। ठीक है सर, जर्नल करते हैं। इसकी मदद से कैसे करते हैं वो अभी हम सीखेंगे। जैसे ही जर्नल कंप्लीट कर लेते हो, अगला स्टेप करना पड़ता है जर्नल के बाद, लेजर। लेजर यानी सबसे पहले आपको बिल वगैरह मिला, बिल को अकाउंटिंग करोगे ना, तो अकाउंटिंग में पहला स्टेप क्या करोगे, जर्नल, फिर लेजर। लेजर में आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं कुछ इस तरीके से, टी शेप अकाउंट जो हमने देखा था इस तरीके से। लेजर के बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो, ये इसका बनाने का मेन उद्देश्य है कि जर्नल और लेजर में जो गड़बड़ी है, एक यहाँ पे फाइंड हो जाता है, एक तरीके से फिल्टर लगा दिया गया है। अगर ऊपर कोई मिस्टेक किया है तो ये बता देगा कि क्या मिस्टेक है। एक्यूरेट तो 100% नहीं बताएगा, लेकिन आइडिया मिल जाएगा कि यहां और यहां गलत है। और बेसिकली ट्रायल जितने भी इसके टोटल होंगे, लेजर के टोटल होंगे, वो सारे के सारे यहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ट्रायल। ट्रायल के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या होता है हमारा, दो चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लास्ट में हर बार हम बोलते थे बैलेंस शीट तो लास्ट का टॉपिक है। ये प्रोसेस करने के बाद हमारा सिलेबस का पार्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा बेसिकली। तो सबसे पहले हमें सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो तो नॉर्मली बिल है। पहले जर्नल सीखेंगे, जर्नल के बाद क्या सीखेंगे, लेजर। लेजर के बाद हमारा, लेजर से क्या बनेगा, ट्रायल। ट्रायल के बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद पी एंड एल, बैलेंस शीट, और एंड हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग। बेसिकली इसको हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर जर्नल, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आ जाता है, लेकिन फिर फाइनल अकाउंट लास्ट, एंड ऑफ अकाउंट है। तो ये प्रोसेस हमें सीखना है। जितने भी बेसिक बेसिक टर्म्स है ना, चाहे स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो, अगर वो सारी वीडियो आप अगर अच्छे से देखते हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा जितने बेसिक बेसिक टर्म्स है। हाँ, मैंने थोड़ा कुछ वीडियो में लेंदी करा, कुछ करा समझाने के पर्पस के लिए, रिपीट भी किया है, तो आपको उसको समझना चाहिए। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और एकदम माइंड फ्रेश करो, न्यू पेज निकालो अपने रजिस्टर में, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो जर्नल एंट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री, जो बहुत काम आने वाला है। तो एक बार फटाफट ये वाला प्रोसेस नोट करो, फिर मैं जर्नल एंट्री आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे जर्नल एंट्री। जल्दी जल्दी आप एक बार ये प्रोसेस नोट करिए, फिर जर्नल एंट्री की हम बात करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे जर्नल एंट्री। कोई समस्या ही नहीं आएगी आपको जर्नल एंट्री में, और विद रूल के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने जर्नल एंट्री कर लिया बस, रूल के साथ हम प्रॉपर तरीके से जर्नल एंट्री देखेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, साफ साफ नोट करना है सबसे पहले तो। कर लिया नोट, चलिए। हम ना जर्नल एंट्री को बहुत सारे पार्ट में कैटेगरीज कर देंगे, तो मैं बताता जाऊंगा आपको उसी तरीके से करना है। सबसे पहले पार्ट को अगर मैं बांट दूं, तो मैं आज जो आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले पार्ट की मैं बात करूं तो बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट
बिजनेस स्टार्ट की जर्नल एंट्री किस तरीके से हो सकता है। बिजनेस स्टार्ट यानी आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट जैसे ए राम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹5,000। इसका मतलब क्या हुआ, राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कितने का, 5,000 का। मैं अभी ये बता रहा हूं कि ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाद जनरल में कैसे करेंगे हम देखेंगे। मान लेते हैं बी पार्ट, सोहन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 2,000 रुपए, करेक्ट। चलिए जर्नल एंट्री करने का एक फॉर्मेट बना देता हूं मैं, और ये जो होता है ना हमारा जर्नल एंट्री स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन, हम कुछ इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जर्नल एंट्री करने का हमारा एक फॉर्मेट रहेगा, और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री को लेके जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा, ये हमारा बनेगा एक कॉलम इस तरीके से, बहुत ही आसान है बच्चे ये। आपको एग्जाम में इस बार अच्छे नंबर लेके आने हैं, यहां पे डेबिट लिखते हैं, मेरे हिसाब से अब आपको डेबिट पता होगा, और इस साइड क्रेडिट लिखते हैं और ये अमाउंट लिखते हैं। ये कॉलम होता है एलएफ, कई बार जीएफ भी लिख देते हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको, दिख रहा है आपको, एक बार चेक करिए कैमरे में, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है आपको ये। चलिए यहां लिखते हैं हम पर्टिकुलर, और एक और कॉलम क्रिएट करते हैं, यहां लिखते हैं हम डेट। पहले हम इसको समझे और करना कैसे है। ऊपर लिखा हमने जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, और हम बिजनेस स्टार्ट किए। हम धीरे धीरे सारा सीख लेंगे, ज्यादा है नहीं, फटाफट से सीखेंगे, कुछ एक पॉइंट्स करने हमें फटाफट कर लेंगे। चलिए देखिए, डेट वाले कॉलम में किस डेट पे ट्रांजैक्शन है, जैसे मान लो ये है 1 तारीख को, तो डेट वाले कॉलम में 1 तारीख लिखेंगे, 1 जनवरी 1/1/2020। समझ में आई बात आपको। बिजनेस स्टार्ट, एलएफ का मतलब पेज नंबर, यूज नहीं होना आपका, लेजर फोलियो होता है। एलएफ का मतलब क्या है हमारा, लेजर फोलियो, इसका यूज नहीं करेंगे हम, लेकिन बस हमें यहां पे लिखना है, ठीक है ना, यूज नहीं करना। इसमें होता है पेज नंबर, जैसे कि मान लो आप एक पर्सन का अकाउंट कर रहे हो, यही आपके पास रजिस्टर है, और रजिस्टर पे राम का सारा हिसाब लिखा, राम का सारा हिसाब लिखा, हिसाब लिखा, हिसाब लिखा, तो ये पेज जनरली क्या होगा, भर जाएगा। तो जैसे ही राम का आपने हिसाब रखा और ये पेज भर गया, तो आपको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, तो बेसिकली वो रेफरेंस नंबर होता है, यहां पे जाएगा ये, ठीक है। तो राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो कैसे करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट एसी मतलब अकाउंट डेबिट, और इसके बीच में लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको समझते हैं। देखो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के अंदर दो चीजें, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है हमारा। डबल एंट्री का मतलब दो जगह एंट्री को करना पड़ता है हमेशा। तो बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के अंदर, जैसे राम है, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस के अंदर राम ने पैसे लगाए तो कैश आ गया, और कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी भी बना, और लाइबिलिटी किस फॉर्म में बन रहा है हमारा, कैपिटल फॉर्म में। आप मुझे बताना दो चीजें हैं इसके अंदर, आपको मैं लिखूंगा आपको याद हो जाएगा, ये दो चीजें हैं, एक है कैश और एक कैपिटल। आप मुझे बताओ कैश क्या होता है, कैश बताओ क्या होता है। सर कैश एसेट होता है, याद करो हमने इतने अच्छे से किया था, एसेट्स, एसेट्स को कहां जाना चाहिए, सर डेबिट जाना चाहिए। अब बताओ जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा, इसलिए तो डेबिट हुआ है। अब एक इंपैक्ट आ रहा है कैपिटल पे, तो आप बताओ मुझे कैपिटल क्या होता है, सर कैपिटल लाइबिलिटी होता है, और ये कैपिटल भी बोलते हैं, और इसका साइड क्या है, इसका साइड सर क्रेडिट होगा।
यानी आपका कैश डेबिट होना चाहिए। तो देखो यहां पे जो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट ही हो रहा है, और इसके डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 5000। इसके बाद लिखा टू कैपिटल, ये जो टू है ना वर्ड बच्चे, ये टू का मतलब यहां क्रेडिट से है, तो टू कैपिटल, तो कैपिटल को कहां लिखा है मैंने क्रेडिट में, तो टू का मतलब ही क्रेडिट हो जाता है इस जगह पे आके, तो टू कैपिटल क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 5000। बस ये हो गया जनरल एंट्री, और भी एंट्री करेंगे अभी देखते जाओ। यहां बीइंग लिखा जाता है, नरेशन क्या लिखते हैं, नरेशन नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो नरेशन में क्या लिखेंगे हम, नरेशन में लिखेंगे किसने बिजनेस स्टार्ट किया, राम ने, तो राम स्टार्ट बिजनेस, राम स्टार्ट बिजनेस, क्लियर, चलो ठीक है। अगला सोहन स्टार्ट बिजनेस 2000, अगली एंट्री 2 तारीख की, मान लो मैंने 2 तारीख को करा, 2/1/20 में सोहन ने स्टार्ट किया है। अब मैं फिर से क्या होगा, सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, अगेन बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश को क्या होना चाहिए, आएगा प्लस होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू बताइए, टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, अकाउंट लगाना जरूरी है आपने, ठीक है, अकाउंट लगाना जरूरी है, कितने रुपए का, 2000 का, ये 2000। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्रेडिट करना होगा राम को, कैश को, कैपिटल को, एसेट्स को, तो वहां आंसर इस तरीके से देना, क्रेडिट है कैपिटल, बीइंग, बीइंग सोहन, सोहन स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस लिखें, यानी ये दो एंट्री से तो ये तो सिद्ध हो गया, ये तो प्रमाणित हो गया, ये तो फैक्ट हो गया कि भाई आपका बिजनेस कोई भी स्टार्ट करे जर्नल एंट्री यही होनी है, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट की, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीटा, कोई भी, कंचन कोई भी करे, पूजा कोई भी स्टार्ट कर दे, एंट्री यही होना है। हाँ सर ये बात तो आपने सही कही कि दोनों में तो एंट्री सेम ही है, अमाउंट अमाउंट, बस नीचे बिंग में लिखना है कि करा किसने है। चलो इसके बाद अगली एंट्री, दीपक, दीपक स्टार्ट को हम कमेंस्ड भी बोलते हैं, कमेंस बिजनेस बाय चेक। अब एक चीज हमेशा याद रखना अकाउंट में, जब आपका चेक आ जाए ना तो चेक को रिप्लेस बैंक से करना, क्योंकि चेक का पैसा कहां मिलेगा, बैंक में, तो चेक को बैंक से करना। तो यहां पे बताओ जब बिजनेस चेक से हुआ है तो हमारे क्या क्या चीज इंपैक्टेड हुए हैं, सर यहां पे तो कैश तो है नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कैश नहीं है, यहां एक बैंक हुआ है और एक कैपिटल हुआ है, बिल्कुल ठीक। आप बताइए बैंक क्या है हमारे लिए, बैंक हमारे लिए एसेट है, पता है ना आपको, इसको क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। कैपिटल क्या है बताइए, कैपिटल हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, कैपिटल कैपिटल ही होता है, बस अभी समझाने के लिए लाइबिलिटी साइड में जाता है इसलिए लिख रहा हूं, क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब जर्नल एंट्री बनाओ, पहले डेबिट, कुछ बच्चे बोल रहे सर हम ऐसे लिख सकते हैं टू कैपिटल और कैश डेबिट, नहीं फॉर्मेट पहले डेबिट की इंफॉर्मेशन डालो फिर क्रेडिट की डालो, इसी को तो जर्नल बोलते हैं। 3 तारीख की एंट्री, हाँ 3 तारीख है तो 3/1 लिख दिया, तो फिर से एंट्री होगा, अब क्या डेबिट होना चाहिए, बैंक डेबिट होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बस अब देखते जाओ सारा समझ में आएगा आपको। बीइंग किसने करा, दीपक, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, दीपक स्टार्ट, और इसको लाइन खींचना है, कुछ बच्चे लाइन यहां से यहां डाल देते हैं, नहीं आपने इतना ही लाइन डालना होता है, दीपक स्टार्ट बिजनेस। चलिए कितने रुपए आएंगे यहां पे, यहां आएंगे 1000 रुपए, यहां आएंगे 1000 रुपए, ठीक है यहां पे 1000 रुपए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलो डी पॉइंट, सोनल, सोनल इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब भी स्टार्ट है, इन्वेस्ट इनटू बिजनेस, सोनल ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया, स्टॉक लगा दिया सोनल ने। अच्छा सर स्टॉक से भी कर सकते हैं, बिल्कुल, कितने का, 50000 का,
50,000 का। अब एंट्री बताओ, अब स्टॉक और कैपिटल इंपैक्टेड है। एक तो स्टॉक लगाया, जो लगाया वो, और बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि स्टार्ट यहां से पता चल रहा है, तो स्टार्ट होगा तो भाई कैपिटल तो आएगा ही आएगा। तो सर एक स्टॉक है, बिल्कुल ठीक, एक स्टॉक है और एक कैपिटल है। मैं इसी के नीचे लिख देता हूं ताकि आप, मिटाऊंगा नहीं अब, ठीक है ना, आप गुस्सा मत हो। स्टॉक क्या होता है बताओ? सर स्टॉक तो एसेट होता है, बिल्कुल सही जवाब। और कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी साइड में जाता है, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए सर, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा, बिल्कुल सही। और ये क्रेडिट। अब बताओ एंट्री कैसे करोगे? 4 तारीख की एंट्री, बताओ एंट्री कैसे करोगे? सर माना नहीं है, बताओ। सर पहले डेबिट वाली डिटेल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए, बीइंग, बीइंग किसने करा? सोनल, सोनल स्टार्ट बिजनेस, इतना भी चलेगा। विद स्टॉक लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, कितने रुपए से? 50,000 से। बस मैं सिखा रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट। सर एक ही बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करेगा? नहीं, मैं अलग अलग एंट्री सिखा रहा हूं आपको। डी के बाद ई, कोमल, कमेंस, बिजनेस। सोनल ने कमेंस किया बिजनेस, विद बिल्डिंग, इसने अपनी बिल्डिंग लगा दी, बिल्डिंग 20,000, 20,000। सोनल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैसे? बिल्डिंग से 20,000। अब बताओ क्या कमेंस है? तो कैपिटल तो होगा, ठीक है, स्टार्ट, कमेंस का मतलब स्टार्ट, और बिल्डिंग लगाया है, यानी अपने घर से पैसे लाए, अपने घर से सामान लेके आए, इट इज अ कैपिटल, ये याद रखना आपने। चलो कैपिटल क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी, एंड इट शुड बी क्या होना चाहिए? सर लाइबिलिटी है और ये तो एसेट्स है, तो क्या होना चाहिए ये तो बताओ। सर इसको होना चाहिए क्रेडिट और इसको होना चाहिए सर डेबिट। हाँ ठीक बोले, बिल्कुल आपने। चलो लिखो 5 तारीख को डेबिट वाले पहले आइटम, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू क्या आएगा सर? कैपिटल आएगा, बिल्कुल सही जवाब, क्या आएगा? कैपिटल आएगा। चलिए, बीइंग किसने स्टार्ट किया बिजनेस? कोमल ने, कोमल स्टार्ट, स्टार्ट ही लिख दो बिजनेस, थोड़ा स्पेस की कमी है तो थोड़ा बस समझ जाना आप कि स्पेस कम होने की वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा पूरा ही लिखता आपके लिए। 20,000 रुपये, 20,000। सर अब समझ में आ गया, यानी कैश में स्टार्ट करें तो कैश को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग से स्टार्ट करें तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, स्टॉक से स्टार्ट करें तो स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। अब मुझे जवाब दो, मनोज स्टार्ट बिजनेस विद फर्नीचर 50,000। मनोज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर से 50,000। जल्दी जल्दी एंट्री बताओ। अब एक फर्नीचर है, स्टार्ट है तो कैपिटल होगा ही, तो फर्नीचर क्या होता है? एसेट्स। तो एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बच्चे आपको? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए एक लास्ट एंट्री करते हैं इससे रिलेटेड, एफ एंट्री। एफ एंट्री कर रहे हैं बच्चे, जैसे सोहन, सोहन हो गया, हाँ सर हो गया। चलो मोहन रह गया, मेरा फेवरेट नाम मोहन, पर्सनल चेक मोहन, अमाउंट ट्रांसफर, टी एफ ट्रांसफर है, ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू बिजनेस करंट, करंट अकाउंट। इसका मतलब सर मोहन ने अपने सेविंग अकाउंट यानी अपने घर के खाते से ट्रांसफर किसमें कर दिया? बिजनेस के करंट अकाउंट में। कितने किए सर? ये तो बताए नहीं, ये किए इसने 10,000। अब बताइए जनरल एंट्री, अब बताओ जनरल एंट्री, मोहन ने
बिजनेस के बैंक खाते में 10,000 रुपए दिए स्टार्ट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, मोहन ने बिजनेस में फिर से पैसे लगाए, लेकिन अब बैंक के फॉर्म में लगाया है। जैसे कि हमारा ये था ना चेक, तो वैसे ही बैंक के फॉर्म में लगाया है। तो एंट्री क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक इम्पैक्ट तो बैंक होगा बिजनेस का। मोहन का अकाउंट क्या हुआ हमें मतलब नहीं है, वो तो उसका सेविंग है, सेविंग मतलब अपने घर के अकाउंट से। तो बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा, डेबिट होगा बैंक एसेट से। और कैश पे क्या होगा, कैश तो नहीं होगा सॉरी, कैपिटल। और कैपिटल क्या होगा बताइए सर, कैपिटल लाइबिलिटी या क्रेडिट, अब इतना तो समझ ही गए हम। तो एंट्री बता दीजिए क्या होगा सर, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। लैंग्वेज अलग हो सकता है लेकिन बहुत आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सिक्स एंट्री, कितने रुपए से सर, 10,000। इसका बींग आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा इसका, मैं थक गया हूं लिख के। इसका बींग आपको लिखना है, क्या लिखोगे बींग सर, नहीं लिख दो, चलो लिख देते हैं बींग, क्या लिखोगे बींग, मोहन स्टार्ट बिजनेस लिख दो, मोहन स्टार्ट, क्योंकि उसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, बिजनेस, यही तो बींग होगा। चलिए सर, अब फटाफट से एक बार नोट करिए, बिजनेस स्टार्ट की एंट्री हमने सीखा है और इसे हम बोलेंगे सिंगल एंट्री। सिंगल मतलब कि एक ही पॉइंट। अब हम कंपाउंडेड भी सीखेंगे, तो फटाफट डुअल एंट्री। डुअल पता है क्यों होता है, देखो एक बार डेबिट हो रहा है एक बार क्रेडिट, तो इसे डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अभी जर्नल के बाद। इसके बाद देखेंगे कंपाउंडेड, फिर इनकम और खर्चे की बात करेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए। साफ साफ नोट करना है आपने, कोई गड़बड़ी नहीं, मैं सबको देख रहा हूं यहां से, नोट करो, मैं देख रहा हूं आप सबको, नोट नहीं कर रहे, कुछ बच्चे इधर उधर देख रहे हैं बस, स्क्रीन पे हाथ या फास्ट वीडियो करने से कोई फायदा नहीं। नोट करो, मैं सबको देख रहा हूं यहां से, सबको देख रहा हूं। अच्छे बच्चों की तरह नोट करो। नोट करिए बच्चे, कर लिया नोट। चलिए और क्या सिखाएंगे, और अभी सीखेंगे बिजनेस स्टार्ट का ही कंपाउंडेड एंट्री देखेंगे, ठीक है ना। और कंपाउंडेड एंट्री इतना मुश्किल नहीं है, वो भी बिल्कुल आसान है। दो एंट्री करेंगे, दो तीन एंट्री, फिर तो आप बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट किया था अगले टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट वाला कंपाउंडेड नहीं, डबल जोड़ा कंपाउंडेड बोलते हैं, कंपाउंडेड, ठीक है ना। या फिर हम डबल एंट्री के अंदर कंपाउंडेड, बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं, जैसे मैंने बोला फॉर्मेट कैसा होगा, चलो मैंने बोला राम
स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड चेक। तो देखो कैश एंड चेक रुपीस 5,000 एंड 6,000, इसका मतलब क्या हुआ? जो राम है ना, उसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो दो चीजों से किया है, थोड़े से कैश भी लगाए हैं और थोड़े से चेक भी लगाए हैं। तो ऐसे जब दो काम करते हैं तो ऑल्दो इसकी दो एंट्री तो कर सकते हो आप। सर दो एंट्री कैसे? एक कैश से कर दो, एक बैंक से कर दो, लेकिन दो एंट्री करने में टाइम ज्यादा लगेगा आपका, तो इसको हम कंपाउंडेड एंट्री भी कह सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। फॉर्मेट आपने नोट किया था ना, इधर क्या लिखा था बताओ? सर एलएफ। इधर क्या लिखा था? डेबिट अमाउंट। और इधर क्या लिखा था? क्रेडिट अमाउंट। इधर क्या लिखा था? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स। और इधर क्या है? जर्नल एंट्री। और इधर क्या है हमारा? इधर क्या है? डेट। चलिए हाँ सर, ये लाइन सीधी नहीं है आपकी, कोई बात नहीं, ये लो लाइन सीधी कर देते हैं। क्या आप सीधी है? हाँ सर अब सीधी है। चलो क्या एंट्री होगा अब बताओ, यहाँ पे क्या क्या है? एक कैश है सर, एक बैंक है, और क्या है सर? एक कैपिटल है। बिल्कुल ठीक। कैश क्या होता है सर? एसेट होता है। बैंक क्या होता है सर? एसेट होता है। कैपिटल क्या होता है सर? लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। एसेट्स क्या होगा सर? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस होगा जब बिजनेस में लगाओगे, तो बैंक प्लस होगा तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। और ये भी प्लस होगा तो ये क्रेडिट। सर यहाँ पे तो दो क्रेडिट वाले आइटम आ गए, सॉरी दो डेबिट वाले आइटम आ गए। हाँ बच्चे, यहाँ पे दो डेबिट वाले आइटम आ गए, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? नंबर वन हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सर करो जल्दी, हम ध्यान से देख रहे हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू ना बच्चे, इसके सेंटर में लिखना, ये नहीं यहाँ टू लिख दिया यहाँ टू लिखा, नहीं, इनके सेंटर में लिखना होता है। और कैपिटल टी, टू कैपिटल अकाउंट। हाँ सर मैं भी सोच रहा था कि ऐसे होगा कुछ, आप कभी गलत सोचते ही नहीं। अब इसमें कैश वाले में 5,000, बैंक वाले में 6,000, और कैपिटल में सर टोटल 11,000 लगा दिए ना उसने, तो कैपिटल कितने होंगे? 11,000। बींग, बींग या नरेशन क्या होता है? जो आपने ये काम किया उसी को लिख दो। क्या करा है? राम ने स्टार्ट किया। राम ने क्या किया? स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस किया राम ने, स्टार्ट किया बिजनेस। चलो ये तो बहुत आसान है सर, बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा था कि आसान है, बस आपका जो वक्त खराब हो रहा है और मैं बस टाइम खराब कर रहा हूं आपका। सोनाली, सोनाली स्टार्ट बिजनेस विथ कैश एंड स्टॉक। सर स्टॉक आ गया? हाँ बच्चे स्टॉक आ गया। अब 3,000 एंड 4,000, सर इसे मुझे करने दो। बिल्कुल, यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट है? एक तो कैश, एक स्टॉक, और एक क्या है? कैपिटल। ठीक है कैपिटल, बताओ कैश क्या होगा? सर कैश एसेट है, कैश एसेट है। स्टॉक क्या होगा? स्टॉक भी सर एसेट ही है। बिल्कुल ठीक, और ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इसे क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब बताओ क्या आप इसकी जनरल एंट्री कर सकते हो? जनरल एंट्री कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। देखो आप सीख गए जनरल एंट्री करना, कैसे करोगे बताओ जल्दी। सर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। स्टॉक है तो स्टॉक लिखेंगे जी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बैंक थोड़ी आएगा। और टू, टू क्या लिखेंगे? टू कैपिटल, टू कैपिटल। चलो कितने रुपए सर? 3,000 और 4,000। और सर कैपिटल में लिख दो आप 7,000। सर अकाउंट नहीं लगाया, ये लो लगा देता हूं, चेक कर रहा था मैं आपको। ठीक है, इसके बाद बींग, बींग, बींग।
सोनाली स्टार्ट बिजनेस, सोनाली स्टार्ट बिजनेस। चलो ठीक है सर, एक एंट्री और, चलो इससे भी बड़ी एंट्री, दीपक, दीपक स्टार्ट बिजनेस विद कैश स्टॉक बिल्डिंग। है सर, तीन तीन चीजें दीपक लगा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्डिंग बिल्डिंग रुपीस 6,000, 2,000, 4,000। सर अब तो तीन चीजें आ गए। बिल्कुल, तो हम तो समझ गए बस कैसे करना है। कैश होगा, स्टॉक होगा और बिल्डिंग होगा और एक कैपिटल होगा। सर हमें मत समझाओ, हम समझ गए। ये होगा हमारा डेबिट और ये होगा डेबिट, क्योंकि एसेट्स है। अरे छोड़ो, हम डायरेक्ट करेंगे, ये डेबिट और ये क्रेडिट। बिल्कुल सही, अब आप डायरेक्ट करने लग गए, समझदार हो गए बच्चे। अब कैसे एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू कैपिटल। चलिए, बींग, बींग, बींग में क्या लिखेंगे? दीपक स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस। अब सर अमाउंट लिख दो बस, 6,000, 2,000, 4,000, टोटल 8 और 6, 8 और 4 12,000। समझ में आया? हाँ सर समझ गए। इसको बोलते हैं कंपाउंडेड। कंपाउंडेड इसलिए बोला जाता है कि देखो, दो डेबिट है, एक क्रेडिट है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यानी आप जब इसका और इस कॉलम का भी टोटल करोगे तो मैच होगा। तो देखो, हमने अभी किस चीज की एंट्री सीखी? बिजनेस स्टार्ट करने की। बिजनेस स्टार्ट करने की अगर मैं एंट्री की बात करूं तो बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाएगा? एक तो सिंपल एंट्री देखा, तो जिस भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट होगा, चाहे चेक लगाए तो चेक बैंक को डेबिट करो, कैश लगाए तो कैश को डेबिट करो, अगर फर्नीचर लगाए फर्नीचर को डेबिट करो, स्टॉक लगाए स्टॉक को डेबिट करो, तो वो डेबिट होगा। और टू में क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल टू क्यों आ रहा है? क्योंकि क्रेडिट होता है। सिंपल। तो एक बार जल्दी जल्दी बोल के दिखाओ इसको। सर मैं बोल के दिखाता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है, इसको बोल के दिखाओ। सर कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। फिर से इसको बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। यानी बिजनेस में जितनी चीजें लगाओगे एसेट्स, सिंपल से रूल की मैं बात करूं, ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस में जितना भी अपने घर से सामान लेके आओगे, जितना भी लेके आओगे, जितना भी लेके आओगे, जितना भी लेके आओगे, सब इसकी संपत्ति बनती जाएगी। और बिजनेस बोलेगा, अरे तुम्हें वापस भी तो देना है, क्योंकि मैं और बिजनेस अलग अलग है, दोनों आपस में, पता है ना आपको बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट में। तो एक तरफ लाइबिलिटी भी बनेगा। तो लाइबिलिटी किस नाम से बनेगा बच्चे? लाइबिलिटी जो बनेगा वो बनेगा हमारा कैपिटल के नाम से। और एसेट्स जितने डालो, 10 एसेट्स डालोगे तो 10ों को डेबिट 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 करोगे और सबको टोटल करके कहाँ मैच कर दोगे? कैपिटल में। तो ये था हमारा बिजनेस स्टार्ट का। अब इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करिए, बहुत सुंदर राइटिंग में नोट करना है आपने। आपसे अच्छी राइटिंग किसी की नहीं है, फटाफट बता दीजिए, आज दिखा दीजिए आपको, जल्दी जल्दी नोट करिए।
कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की, और ये सारी जनरल एंट्री में विदाउट जीएसटी करवा रहा हूं फिलहाल, विद जीएसटी अलग से करवाऊंगा। एक्सपेंस एक बार चेक करिए कैमरे को। अब एक्सपेंस की जनरल एंट्री सीखेंगे। एक्सपेंस ना हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक में बांट देता हूं यहां पे गुड्स के लिए। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे ना, ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने किया था। इसके बाद एक होगा अदर अदर एक्सपेंस, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सारे एक्सपेंस को मैं अदर में डाल देता हूँ। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। चलिए गुड्स परचेज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें आपको समझना होगा। पॉइंट नंबर वन, गुड्स परचेज ₹5,000। अब देखिए सेकेंड एंट्री, गुड्स बॉट ₹6,000, ₹6,000, गुड्स बॉट ₹6,000 बाय कैश, कैश। थर्ड परचेज फ्रॉम सोनल ₹2,000। अब देखो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ना मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से परचेज को लिखा है। अब चलो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे देखो पहले में लिखा है गुड्स परचेज, कुछ नहीं बताया, दूसरे में गुड्स परचेज, यहाँ पे कैश बता रहा है आपको, तो ये तो नगद में खरीदारी है। यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम सोलन, यहाँ भी नहीं बताया। तो जब कभी भी सामान खरीदते टाइम पे नाम आ जाए ना, तो ये होता है उधार पे, तो ये एंट्री है हमारी क्रेडिट पे खरीदारी, आपको ध्यान रखना है। आपको ये बात मैं बता रहा हूँ, आपको यही तो समझना है। और जो गुड्स परचेज बाय कैश होता है, ये तो कैश ही है, और जब कुछ ना बोला जाए, नाम भी ना हो, तो उसको हम कैश में मान के करते हैं। तो तीन एंट्री को हमने देखा, और तीनों एंट्री से हमें क्या बात समझ में आई कि जब कभी भी हम सामान खरीदेंगे, और अगर नगद में सामान खरीदेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा होगा, या कैश या चेक भी हो सकता है, और जब सामान उधार में खरीदा जाएगा तो उधार में खरीदते टाइम पे क्या आएगा, नाम। अब मुझे बताना आप, बस आपने बस बताना है, जनरल तो अभी देख लेंगे हम। चार परचेज फ्रॉम दीपा ऑन ₹6,000। अब बताओ ये कैश है क्रेडिट है? सर यहाँ पे तो नाम भी है और कैश भी है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें प्रायोरिटी देना पड़ता है कैश को, तो ये हम मानेंगे कि ये भी खरीदारी किसमें है, कैश में। अच्छा सर एक और एंट्री बताओ सर। चलो फिफ्थ परचेज फ्रॉम दीपक या सोनल, परचेज फ्रॉम सोनल बाय चेक ₹2,000। चेक से है तो चेक का मतलब क्या है हमारा, ये कैश में तो नहीं है, ये बैंक से खरीदारी है। समझ में आई बच्चे आपको? आपको ध्यान देना है बस ये। सर और बताओ, और बताओ छठी एंट्री, गुड्स परचेज ₹60,000।
बताइए किस में है? सर इसके आगे तो कुछ भी नहीं बताया, तो किस में होगा ये? कैश में होगा। जर्नल एंट्री अभी हम देख लेंगे, पहले समझना है। गुड्स जब परचेज करेंगे, मैंने खर्चे को दो पार्ट में बांट दिया, एक परचेज में और एक अदर एक्सपेंस में। मैं अदर एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा। जब कभी भी गुड्स परचेज करेंगे हम, तो अगर कुछ भी सेंटेंस में ना बोला जाए कि किससे खरीदा, नहीं खरीदा, तो कैश में है। अगर नाम आ जाए, सिर्फ नाम, कि मैंने रिलायंस लिमिटेड से खरीदा या सोहन से खरीदा या सीता से खरीदा, तो उसका मतलब वो उधार पे माना जाएगा। चलो एक एंट्री और पूछता हूं, जैसे पूजा परचेज, सॉरी परचेज गुड्स ₹6,000 फ्रॉम पूजा लिमिटेड या फिर टाटा लिमिटेड। टाटा को तो जानते हो, रतन टाटा, बैंक ओवरड्राफ्ट में एग्जाम्पल दिया था, टाटा लिमिटेड से। तो ये किस में है बताओ? सर इसमें भी सिर्फ और सिर्फ नाम है, तो नाम आर्टिफिशियल हो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी माना जाएगा क्रेडिट पे। ये किस पे माना जाएगा? क्रेडिट पे। तो मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब कभी भी खरीदते, गुड्स को खरीदते टाइम पे या किसी एसेट्स को खरीदते टाइम पे अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता कि किस में खरीदा, तो कैश में मानना है। चेक से बोलता है तो चेक से मानना है। सिर्फ नेम आ जाए तो क्रेडिट में मानना है। नेम और कैश दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी दोगे कैश को, ठीक है? अब जर्नल एंट्री देखते हैं। सर एक बिल्कुल रामू या गुड्स, गुड्स परचेज फ्रॉम लाला जी ₹6,000 एंड 50% अमाउंट पेड इन कैश। सर इसका मतलब हुआ आपने गुड्स तो खरीदा है लाला जी से 6 का, लेकिन 50% अमाउंट आपने कैश में पेड कर दिया। तो सर ये दोनों चीजें होगी, कैश भी होगा और प्लस क्रेडिट भी होगा। समझ में आई बात आपको? हाँ सर। चलो इसकी जर्नल एंट्री हम इसकी अभी एग्जाम्पल को बाद में लेंगे, पहले इस वाले टॉपिक को करेंगे, इसके बाद इस वाले एग्जाम्पल को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना? चलो एक फॉर्मेट बनाते हैं, वही जाना पहचाना फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का तो सबका फॉर्मेट एक जैसा ही है। हाँ सर सबका फॉर्मेट एक जैसा है। कुछ एंट्री मैं करूंगा और कुछ एंट्री आपको करना होगा, ठीक है? सर अब तो हम कर देंगे, अब तो लॉजिक भी बता दो, हम कर देंगे। चलिए थोड़ा लाइन ऊपर नीचे है, मैनेज कर लेंगे। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब होता है विवरण, ठीक है ना? LF लेजर फोलियो, डेबिट और अमाउंट, और यहां क्रेडिट और अमाउंट। चलो अब मुझे बताना इस एंट्री में, पहली एंट्री में, मैं पहली एंट्री के लिए बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक तो हमारा परचेज है, गुड्स खरीदे चाहे परचेज करे, तो एक परचेज इंपेक्टेड है यहां, और नगद खरीदा है तो कैश इंपेक्टेड है। तो परचेज क्या होता है हमारे लिए बताओ? सर परचेज, परचेज तो एक्सपेंस होता है, तो इसको क्या होना चाहिए? इसे सर डेबिट होना चाहिए। कैश क्या है हमारे लिए बताओ? कैश सर एसेट है, इसको भी डेबिट होना चाहिए। अब इसको भी डेबिट होना चाहिए? नहीं, देखो परचेज करेंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा ना कैश खरीदेंगे तो, क्योंकि पैसा तो हमारे पास से क्या होगा, चले जाएगा। तो जब ये माइनस होगा तो बताओ अगर एसेट्स है, डेबिट वाला आइटम है और उसे माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। अच्छा सर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल। अब एंट्री करो, पहले डेबिट वाले को लिखना है, तो पहले डेबिट वाले को लिखना है, कैसे लिखेंगे? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्रेडिट वाले को लिखना है, क्रेडिट में क्या आएगा सर? कैश आएगा, कैश अकाउंट। सर ये तो बड़ी कमाल की एंट्री हो गई, ये तो बहुत मजा आ रहा है इसमें। ₹5,000 की पहली एंट्री और 5
और बींग जो काम किया वो लिख दो, क्या काम किया है, बींग गुड्स परचेज ऑन कैश। चलिए ठीक है सर, सेकंड एंट्री का भी बताओ ना। सेकंड एंट्री अब किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। गुड्स बॉट ₹6,000 बाय कैश, कैश बोल दिया तो सेम रूल लगेगा, एक तो परचेज इंपेक्टेड होगा और एक कैश इंपेक्टेड होगा, तो हमारा परचेज अगेन बढ़ेगा। तो सेकंड एंट्री कैसे करेंगे बताओ सर, सेकंड एंट्री फिर से करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब सर, कितने लिखे, अरे अमाउंट जो है वही तो लिखना है, क्यों कंफ्यूज होते हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, आप लिखो ना बींग, सुंदर सुंदर लिखना है, देखना नहीं है, जो बच्चे देख रहे हैं कुछ नहीं करेंगे वो, आपने लिखना है बींग। बींग क्या लिखे सर, गुड्स परचेज ही तो लिखोगे, गुड्स परचेज, गुड्स खरीदो चाहे कोई भी प्रोडक्ट खरीदो आप, अगर बिजनेस डील के लिए तो उसे परचेज से ही एंट्री करना होगा। अच्छा सर, थर्ड के लिए रूल, थर्ड के रूल बताओ। एक देखो उधार खरीदा है तो पैसा तो नहीं होगा, एक सोनल है ये इम्पेक्टेड है, दूसरा सर दूसरा परचेज इम्पेक्टेड है, उधार खरीदा है। अब बताओ सोनल से उधार खरीदा है तो सोनल को पैसे देने हैं, तो किसी को पैसे देने होते हैं तो क्या होता है, वो क्रेडिटर होता है सर, और क्रेडिटर को कहाँ लिखना चाहिए सर, लाइबिलिटी में लिखना चाहिए, और लाइबिलिटी कहाँ जाएगा सर, क्रेडिट जाना चाहिए। सही जवाब, परचेज क्या है सर, ये एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को कहाँ जाना चाहिए सर, डेबिट जाना चाहिए। मिल गया जवाब, ठीक है ना। तो देखो आपका अगर देखा जाए तो सोनल क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, तो सोनल को तो क्रेडिट करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर नहीं लिखना, नाम पता है, तो नाम जब नहीं पता होगा तो लिखेंगे। थर्ड एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सोनल, टू सोनल 2,000, 2,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनल। सर मैंने आपकी गलती पकड़ ली, बताओ बच्चे क्या गलती पकड़ी सर, सोनल के आगे अकाउंट नहीं लगाया। बस एक और इंफॉर्मेशन सुनो, नाम जब आ जाए ना तो नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते, अगर लगाना भी है आपको तो आप पोस्ट ऑफिस लगा के आप अकाउंट लगाओगे, नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं लगाया जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब ये कैसे होगा, परचेज दीपक ऑन कैश, बिल्कुल सेम एंट्री करेंगे, कैसे, कैश पे है, दीपक का कोई रोल नहीं है तो मानेंगे कैश पे, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होमवर्क है ये आपका, आप करोगे परचेज फ्रॉम सोनल बाय चेक। ओहो चेक आ गया, पांचवी एंट्री तो सर आपको ही करना पड़ेगा। तो देखो चेक आने पे एक इंपेक्टेड कौन है, बैंक, और दूसरा कौन इंपेक्ट होगा, परचेज। तो बताओ बैंक क्या होगा, एसेट है माइनस होगा तो क्रेडिट, और परचेज क्या है, एक्सपेंस है और बढ़ेगा तो डेबिट। लो थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया है, याद रखना है, जैसे यहाँ पे टू कैश हुआ था ना तो हम लिखेंगे अब टू बैंक, उधार लिया था तो टू टू नाम, तो ऐसे ही लिखना है अब हमें। परचेज पांचवी एंट्री है, अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ में आई बात आपको, उधार खरीदेंगे तो क्या आ जाएगा, टू में नाम आ जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना और इसको बार बार समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, अटपटा तो लग रहा है लेकिन ये बड़े काम की चीज है। बींग, बींग पांचवी सोनल से खरीदा है, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनल, मैंने पूरा नहीं लिखा आप लिख लेना ठीक है, कितने रुपए का खरीदा, सोनल कहाँ गई, सोनल कहाँ गए, सोनल, सोनल से मैंने 2,000 का सामान खरीदा सर, 2,000 की बड़ी एंट्री लिख दी आपने, कोई बात नहीं आपको समझाना है। ठीक है सर, इसकी एंट्री बताओ ना क्या होगा, गुड्स परचेज कैश, सेम ही तो होगा आपका, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स 6,000 फ्रॉम टाटा, इसकी एंट्री क्या होगा, नाम आ गया क्रेडिट पे है, तो ये एंट्री होगा हमारा इसके जैसा,
क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और टाटा को पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी है, तो टू टाटा कंपनी आ जाएगा, टू टाटा कंपनी या टाटा लिमिटेड आ जाएगा। सर सातवीं एंट्री, सातवीं के बाद तो समझ गए, आठवीं तो बहुत मुश्किल है सर, ये आप कराओ प्लीज, आप कराओ। चलो आठवीं एंट्री के लिए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आठवीं एंट्री के लिए यहाँ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ क्या क्या इम्पेक्टेड है। सर इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बातें हैं ये बताना है सर। एक तो लाला जी, लाला जी, अच्छा और क्या है सर, यहाँ पे कैश भी है। घबराओ मत, क्यों घबरा रहे हो सर, यहाँ पे परचेज, हमें बहुत डर लग रहा है, आप बताओ क्या करें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी देखो आपका समाधान करते हैं। सबसे पहले उधार माल, लाला जी है तो उधार माल खरीदा है, तो उधार माल खरीदेंगे तो लाइबिलिटी बनेगा। क्यों लाइबिलिटी बनेगा, क्योंकि क्रेडिटर है, तो इसे क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। हाँ सर, कैश माइनस होगा जब खरीदेंगे तो ये एसेट है, और एसेट जब माइनस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ सर, दो दो क्रेडिट, परचेज क्या है, एक्सपेंस है। हाँ सर, क्या होगा, डेबिट होगा। अच्छा सर, ये तो हम ऐसे ही घबरा रहे थे, कितना आसान एंट्री हो गया, हम तो फालतू में घबरा रहे थे यहाँ पे, बहुत आसान एंट्री हो गया। हाँ जी, चलो आठवीं एंट्री क्या करेंगे, दो चीजों को क्रेडिट में, पहले हमें कौन सा करना पड़ेगा, डेबिट में, तो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू, इसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट लाला जी, जो क्रेडिट में है उसका नाम लिखेंगे ना, लाला जी, लाला जी, और टू, और कौन है, कैश, कैश। सर लाला जी क्या हम पहले लिखना है हमेशा, नहीं, आप कैश को यहाँ लिख सकते हो और लाला जी को यहाँ, कोई ऐसी समस्या नहीं है। कैश के आगे अकाउंट और लाला जी नाम है तो अकाउंट नहीं लगाऊंगा। तो कितने की खरीदारी थी, 6,000 की थी। अच्छा सर, 6,000 का, सर फिर समस्या आ गई, 6,000 में कितना, तो आधा पैसा है ना, कहता है 50%, तो 50% उधार है, यानी 3,000, 6,000 का 50%, 3,000, और बाकी 3,000 हमारा नगद है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, 3,000 रुपये यहाँ दिखाएंगे और 3,000 यहाँ दिखाएंगे, बस खत्म। बींग भी सर इसका कुछ अलग होगा क्या, नहीं, सिंपल लिखना है गुड्स परचेज, सबको विजुलाइज है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दिक्कत आ रही है देखने में, अच्छा देखते हैं कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, नालायक झूठ बोल रहे हो, सब कुछ दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, अब फटाफट से समझते हैं हम इसे एक बार और, ठीक है। देखो अभी हमने अदर एक्सपेंस की बात नहीं करी, एक्सपेंस को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक परचेज, गुड्स परचेज से रिलेटेड, और एक एक्सपेंस। गुड्स परचेज की मैं बात करूं तो सामान उधार भी खरीदा जा सकता है और नगद भी, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बोलेगा। अगर मैं एक, चलो सर एक एंट्री और लिख दो, अगर मैं लिखता गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹10,000, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹10,000, तो उधार भी होगा नगद भी होगा, और नगद वाले के लिए हमें क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं तो नगद, कैश इंफॉर्मेशन तो नगद, चेक इंफॉर्मेशन तो नगद, और सिर्फ नाम आ जाए और कैश आ जाए तो भी कैश को प्रायोरिटी देके नगद, लेकिन सिर्फ नाम हो या कंपनी तो उधार। अब कुछ तो डायरेक्ट भी बता देगा, जैसे मैंने बोला गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹6,000, सर इसके अंदर तो नाम भी नहीं है, नाम नहीं है तो क्रेडिट पे खरीदा है ना, दो चीजें इंपैक्ट होगी यहां पे, क्या, एक तो क्रेडिटर है और एक परचेज है। अब एंट्री सोच लो, ये क्या होगा क्रेडिट और ये क्या होगा डेबिट। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, जब परचेज करोगे तो परचेज तो डेबिट होना है, क्योंकि ये खर्चा है और खर्चा डेबिट होता है। क्रेडिट में अगर कैश में है तो कैश करो क्रेडिट, चेक से है तो बैंक करो क्रेडिट, उधार है तो नाम करो क्रेडिट। अगर उधार और कैश दोनों है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम वाले पोर्शन, उधार वाले पोर्शन के लिए नाम का इस्तेमाल करिए और कैश वाले पोर्शन के लिए कैश का इस्तेमाल करिए, कहाँ पे, क्रेडिट में। टू किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट को करता है, ठीक है। और अगर आपका नाम ही नहीं पता तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्रेडिटर, या एक और वर्ड लिख सकते हो सप्लायर। क्या समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया, और एंट्री करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप फटाफट इसको नोट करिए, बिना देरी करे हुए नोट करिए, फिर हम अदर एक्सपेंस पे जाएंगे, फिर इनकम पे जाएंगे, जल्दी जल्दी नोट करिए आप।
फटाफट नोट करिए आप। कर लिया आपने नोट? पढ़ाई अच्छे से करना है बिल्कुल। इस बार ईपीएफओ में टॉप करना है आपने। ठीक है, चलिए परचेज का टॉपिक खत्म। अब हम बात करते हैं अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस परचेज के अलावा होगा, जैसे रेंट पेड। रेंट पेड ₹2000, जैसे सैलरी पेड ₹6000, बाय चेक चेक जैसे सैलरी पेड के बाद सैलरी पेड जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। इसमें भी नगद और उधार हो सकता है, लेकिन उधार वाली एंट्री ना एक स्पेशल एंट्री का मैं ग्रुप बना के सारा करवा दूंगा। ठीक है, आप सिर्फ नगद वाली करते हैं अभी। ₹6000 सर, 6000 मत लिखो, चलो 1000। फोर्थ एंट्री सैलरी पेड टू मोहन। अब इसमें बताइए कौन सा कैश है, कौन सा क्रेडिट है, कौन सा क्या है? सर जिसमें नाम आ गया वो तो क्रेडिट नहीं। आप देख रहे हो इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड पेड सेकंड फॉर्म है ना, पेड सेकंड फॉर्म है, पेड मतलब पेड हो चुका है, तो इसमें कोई क्रेडिट वाला सवाल ही नहीं होता। रूल देखो, एक तो आपका यहाँ पे एक्सपेंस है, रेंट की मैं बात करूँ तो रेंट क्या है आपके लिए? सर रेंट तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या होना चाहिए? डेबिट। और एक बार बार हम या तो कैश में पेड कर रहे हैं या बैंक से पेड कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ बैंक या कैश में पेड करेंगे तो बैंक या कैश क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो ये है तो एसेट, लेकिन जब एसेट्स को आप माइनस करोगे तो क्या होना चाहिए बताइए? चेक करिए जिसको याद नहीं है, क्या होना चाहिए? सर क्रेडिट होना चाहिए। बस जनरल एंट्री अब करके दिखाते हैं। सर अब हम भी कर सकते हैं जनरल एंट्री, मुझे पता है आप कर सकते हो, यही तो मैं चाहता हूं कि आप करके दिखाओ। मैं बहुत सारे आपको असाइनमेंट भी दूंगा, फिर आपने करना है। चलिए एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर डेबिट डेट। ठीक है सर, समझ गए, करते हैं। पहली एंट्री में रेंट डेबिट होगा, तो एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, और टू में जाएगा क्रेडिट में, कुछ भी नहीं बोला हो तो कैश होता है कैश अकाउंट बी 2000। बिल्कुल सही जवाब 2000 बीइंग बीइंग रेंट पेड। बीइंग क्या होगा? रेंट पेड। ठीक है सर, सेकंड एंट्री बताओ। सेकंड एंट्री बताते हैं, सैलरी पेड है बाय चेक से, तो अब बैंक कम होगा और बैंक क्रेडिट होगा, और सैलरी खर्चे का नाम क्या है हमारा? कुछ भी हो सकता है, रेंट होगा तो रेंट,
और सैलरी है तो सैलरी। अब एंट्री करेंगे सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि चेक था तो अब बैंक क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल सही सर। एक बात मैं पूछूं आपसे? हाँ, आप पूछ सकते हो। सर, मैं अगर बोलूं कि जो भी खर्चा हो उसको डेबिट करो और पेमेंट कैश में है तो क्रेडिट कैश को कर दो, पेमेंट चेक से है तो क्रेडिट बैंक को कर दो, यही तो करना है बस। बिल्कुल सही जवाब, यही करना है। लेकिन इस रूल को भी तो मैं आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट किस तरीके से होता है। ठीक है सर, ये तो समझ गए। और बताइए, बीइंग, बीइंग में क्या आएगा? बीइंग सैलरी पेड। बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किस में है? कैश में है, तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, पेड नहीं लिखना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रेंट पेड अकाउंट, नहीं, पेड तो पता ही है भाई, रेंट लिख दिया तो पेड ही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ये वाली बताओ ना, चौथी एंट्री, ये लो चौथी एंट्री, सैलरी पेड टू मोहन, सेम तो होगा। टै 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 टै। क्या सेम? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, नहीं, टू किस में है? कुछ नहीं बोला तो ये है कैश में। तो एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बाकी एंट्री आप करोगे, ठीक है? कुछ एंट्री मैं दे देता हूं आपको करना है, जैसे कमीशन पेड, कमीशन पेड ₹6,000। जैसे कमीशन के बाद और क्या खर्चे होते हैं सर? और खर्चे बताओ ना। बता रहे हैं ना आपको खर्चे? बिल्कुल बता रहे हैं खर्चे, टेंशन क्यों लेते हो? स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड बाय चेक ₹100। अब ये दो एंट्री आपने करनी है, समझ में आए? बिल्कुल ठीक। एक्सपेंस में उधार वाले एक्सपेंस की नहीं करवा रहा, लेकिन गुड्स वाले में कर लिया हमने। तो एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस का नाम डेबिट, और क्रेडिट अगर कैश हुआ तो क्रेडिट, और अगर चेक से दिया तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। अब फटाफट से नोट करिए, एक्सपेंस में आपका ये वाला टॉपिक हो गया एक्सपेंस, तो एक्सपेंस खत्म, उधार वाली हम बाद में करेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए आप, मैं आप सभी का देखूंगा आपने क्या करा नहीं करा। फटाफट नोट करिए, फिर इनकम पे आएंगे, फिर इनकम पे आएंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए। चलिए अब हम करने जा रहे हैं रेवेन्यू की जनरल एंट्री, रेवेन्यू या इनकम कह लो आप। मैं इनकम जनरली, पता है रेवेन्यू को क्यों कह देता हूँ आपको ना? इनकम थोड़ा जल्दी समझ में आता है, क्योंकि नॉर्मल हम लाइफ में इनकम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद ये होगा हमारा अदर देन गुड्स, अदर देन या अदर रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू या अदर इनकम कह लो। ये विदाउट जीएसटी के कर रहे हैं हम। मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये सारी एंट्री जो भी है वो विदाउट जीएसटी होगी। चलिए सेल ऑफ गुड्स की हम बात करते हैं। फिर से ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कैश में भी और क्रेडिट में भी। अब इस बार मैं अलग अलग कर देता हूं आपके लिए, ठीक है?
कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सिर्फ लिखा मैंने गुड्स सोल्ड, ओनली गुड्स सोल्ड लिखा, ₹5,000। कुछ भी नहीं पता आपको कि किस में बेचा गया, तो आप कंसिडर करोगे कैश में बेचा गया। फिर मैंने लिखा गुड्स सोल्ड ऑन कैश, अब तो आपको पता ही चल रहा है, तो कैश में, ये मैं कैश के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और इधर मैं दूंगा क्रेडिट के एग्जाम्पल, ठीक है। आप उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। सेम मैं यहाँ पे अगर बोलूँ गुड्स सोल्ड टू टीना ₹500, टीना को गुड सोल्ड किया गया, कितने का? ₹500 का। तो इसमें भी हैरानी नहीं है कि भाई उधार माल जब बेचा, माल बेचा गया तो सिर्फ क्या है, नाम। तो आपको कोई चिंता नहीं करना, जैसे आपने परचेज वाले में किया था वैसे यहाँ पे करना है। तो ये आपका जो है, ये आपका माना जाएगा कि आपने उधार पे बेचा है। नंबर दो, या तो क्वेश्चन बोल दे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹6,000, ये भी क्रेडिट पे है। थर्ड, सेल्स ₹2,000, कुछ भी नहीं बोला, कैश में है। फिर फोर्थ, गुड्स सोल्ड टू मीना, अब वैसे तो उधार है लेकिन मैंने यहां लगा दिया बाय चेक, बाय चेक ₹600। तो अब जो ये सामान बेचा गया है, ये बेचा गया है, चेक है तो बैंक से बेचा गया है, ठीक है। तो जब कभी भी हम सामान को बेचेंगे, तो बेचने के बाद या तो उधार बेचा जाएगा या नगद। अगर नाम सिर्फ आ जाए, अगर नाम सिर्फ, जैसे कि अगर मैं लिखूं, एक और एंट्री लिख देता हूं, गुड्स सोल्ड टू रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी ₹1,500, तो सिर्फ नाम आ गया तो क्रेडिट पे है, या कंपनी का नाम आ जाए या नेचुरल पर्सन का नाम आ जाए। लेकिन जब कभी भी आपका नाम ना आए, जब कभी भी नाम नहीं आता तो हम उधार पे, नाम नहीं आता तो हम कैश पे मान लेते हैं, नाम आ जाए तो उधार पे। अब देखिए, जनरल एंट्री तो मैं करूंगा, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन मैं रूल देखता हूँ कैश वाले के लिए। रूल, सबसे पहले आपने बेचा होगा तो या तो आपके पास कैश या आपके पास बैंक को क्या होना चाहिए, बताइए, कैश या बैंक को क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा। और ये आपके क्या है, एसेट है, समझना है आपने, ठीक है ना। और कैश या बैंक क्या होगा आपका? डेबिट होगा, क्योंकि प्लस हो रहा है। दूसरा, आप सेल कर रहे हो तो सेल पे इम्पैक्ट आएगा, और जब आप नगद में बेचोगे तो सेल पे इम्पैक्ट आएगा। और सेल क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू, इनकम एक तरीके से, तो इनकम है। और इनकम आपको पता है, ऑल रेवेन्यू एंड इनकम विल बी क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो कैश को डेबिट कर दो और सेल को क्रेडिट कर दो। मेरे से पूछा जाए तो मैं एंट्री बनाऊँगा कैश या फिर बैंक, जो भी है, चेक से है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या करेंगे बताइए, इनकम का नाम क्या है? सेल्स, जो भी नाम इनकम का होगा वो लिखेंगे, कितने, जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। क्या रूल के हिसाब से आपको एंट्री समझ आ रहा है? फिर मैं तो करूंगा ही, बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। चलिए चलिए, इसके बाद क्रेडिट वाले का, इसका रूल अगर देखें तो नगद तो नहीं है, कोई ना कोई नाम है जो बेचा जा रहा है, और नाम का मतलब डेटर। अगर नाम नहीं दे रखा तो किसी ना किसी को जब बेचते हैं, और उधार माल बेचने पे क्या बनता है बताइए? डेटर बनता है सर, ठीक है। डेटर क्या होता है हमारा? सर एसेट होता है। और एसेट्स क्या होना चाहिए आपका? रूल के हिसाब से आपका एसेट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। दूसरा, इम्पैक्ट सेल पे ही रहेगा, और सेल्स क्या है आपके लिए? रेवेन्यू या इनकम बोलो, ये आपकी इनकम है।
और इनकम को क्या होना चाहिए? अगर रेवेन्यू या इनकम है तो इसको हो जाना चाहिए क्या? क्रेडिट। अब क्या जर्नल एंट्री बना सकते हो? बिल्कुल सर, नाम या डेटर को डेबिट करिए और इनकम यानी सेल्स को क्रेडिट करिए, यानी ये इससे सीधा मैं कनेक्ट करता हूँ। तो एंट्री होगा हमारा, जैसे नाम है तो नेम, या फिर डेटर एसेट है बिकॉज, और टू सेल्स, ठीक है, और जिसको भी बेचा जाएगा लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, सिंपली, क्लियर। और जो हमने सामान बेचा है उसकी अमाउंट के हिसाब से कर देंगे, समझ में। ये तो है रूल, ये समझ जाओगे तो सारी एंट्री कर सकते हो। अब मैं इसकी एंट्री एक एक दो दो जो भी है वो मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। आप सबने ही जवाब देना है रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जवाब देना है, ठीक है? ठीक है बच्चे, रूल के अकॉर्डिंग जवाब देना है। चलिए रूल के अकॉर्डिंग जवाब देना है। LF, डेबिट और अमाउंट, क्रेडिट और अमाउंट, पर्टिकुलर जर्नल, ये तो आपको सब में लिखना है, फॉर्मेट है ये, ठीक है ना। बेसिकली आपके एग्जाम में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन MCQ क्वेश्चन जो आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके अंदर बोल दिया जाएगा गुड सोल्ड टू टीना, डेबिट विल बी सेल्स अकाउंट, डेबिट विल बी कैश अकाउंट, डेबिट विल बी टीना अकाउंट, डेबिट विल बी नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपको एंट्री में देखना है। तो डेबिट क्या होगा? टीना का अकाउंट होगा। पहली एंट्री करने जा रहा हूँ मैं कैश वाली, तो एंट्री क्या होगा? देखो अभी रूल बताया, तो इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। रूल देखिए ना, दिख नहीं रहा रूल आपको, देखिए रूल आप, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि एसेट्स से और प्लस हो रहा है, सेल्स इनकम है, इनकम प्लस हो रहा है इसलिए क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का? 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। और बींग क्या लिखोगे? बींग में लिखा जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन कैश नंबर टू। इसकी एंट्री बताइए सर, सेम ही तो होगा, कैश में है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपने करना है ये एंट्री। सेल्स किस में है बताओ? ये सर ये भी कैश में ही है, कुछ नहीं बोला, सेम एंट्री। अभी यहाँ चेक आ गया, तो मैं ये फोर्थ एंट्री करके दिखाता हूँ। चेक में क्या लिखना है? कैश है तो कैश, चेक है तो क्या लगाएंगे? बैंक। तो एंट्री होगा हमारा बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, जो भी आपका ऑन कैश लिख दो यहाँ पे, कितने का? 600 का। समझ में आई बात आपको? हाँ सर समझ गए। अब क्रेडिट वाली करके दिखाते हैं। क्रेडिट वाली का नेम को डेबिट करो या सेलर को? तो देखो पहले में नेम है टीना, तो टीना डेबिट, और इसके साथ अकाउंट लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, टीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ देखो बच्चे, मैंने कई जगह अकाउंट नहीं लगाया, लेकिन आपने एग्जाम में लगाना है, बस नाम को छोड़ के और किसी के आगे नहीं लगेगा, कई बार मेरे माइंड से स्किप हो जाता है। चलिए कितने, देखिए कितने का टीना का डेबिट है? 500 का, 500 रुपये, और 500 रुपये बींग बींग गुड्स सोल्ड टू किसको? टीना। LF का कॉलम तो हमें बनाना होता है बस, ठीक है ना। चलो सर ये भी हम समझ गए, अच्छे से समझ गए। सेकेंड पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 6,000। अब क्रेडिट में या तो आप यहां लिखे टीना की जगह पे कस्टमर या डेटर, तो मैं डेटर वर्ड आपको पता है जैसे कि, तो मैं लिख देता हूँ डेटर अकाउंट, कस्टमर भी लिख सकते हो डेबिट, क्योंकि नाम नहीं पता तो कस्टमर ही होगा, टू सेल्स अकाउंट,
सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने का बेचा? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, 6,000। बींग, बींग क्या होगा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने आगे लिख लेना है, ठीक है। अब अगली बताओ, थर्ड एंट्री क्या करेंगे? थर्ड एंट्री है गुड्स सोल्ड टू रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, देखो एक्सपेंस में क्या था, खर्चे को डेबिट, और क्रेडिट में या तो कैश रखना था या बैंक रखना था या नाम रखना था, ये उल्टा हो जाएगा इनकम। या तो कैश डेबिट होगा, या तो बैंक डेबिट होगा, या फिर नाम डेबिट होगा, या डेटर डेबिट होगा, और मैच किससे कर देंगे हम? हर बार सेल्स से। जो ये रेवेन्यू कर रहे हैं हम, कौन सा है, विदाउट जीएसटी या विद जीएसटी? विदाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा सेल्स ऑफ गुड्स के लिए दो तरीके का है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की एंट्री, और रूल भी देखा, और ऐसे ही अदर इनकम की अभी हम बात करेंगे। पहले इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करिए, और इसको नोट करने के बाद, इनकम के बाद फिर हम और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, एसेट्स भी लेंगे, लाइबिलिटी भी लेंगे, तो फटाफट पहले आप नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट? चलिए, साफ साफ नोट कर रहे हैं ना, और अच्छे से नोट करना है आपने। अगले हम किस चीज के बारे में सीखेंगे, जल्दी बताओ, किसके बारे में सीखने वाले हैं अब इसके बाद? सर अब हम सीखेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू के बारे में सीखेंगे। रेवेन्यू कोई उधार पे होता है क्या? सर उधार पे रेवेन्यू का मतलब तो बताइए पहले, ये कौन सी अदर रेवेन्यू है? बिल्कुल अदर रेवेन्यू, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अदर रेवेन्यू का मतलब है हमारा जैसे कमीशन रिसीव, रिसीव ₹6,600। नंबर दो, जैसे आप बोल सकते हो डिस्काउंट भी होगा, लेकिन डिस्काउंट का अलग से टॉपिक करेंगे हम। आप बोल सकते हो डिविडेंड रिसीव, रिसीव्स डिविडेंड रिसीव ₹500, और बोल सकते हो आप इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ₹200, और क्या हो सकता है, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव इस पे लिख देता हूं फ्रॉम दीपा बाय चेक, ठीक है। चलो पहले इसके रूल को समझते हैं। देखो कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हो, या तो आप कैश रिसीव करोगे, और यहाँ देखो रिसीव्ड वर्ड है, यानी रिसीव्ड हो चुका है, ऐसा नहीं है रिसीव करना बाकी है, वो हम बाद में देखेंगे एसेट्स वाले पॉइंट में। कैश या तो आप चेक से रिसीव करोगे, तो बताओ कैश या चेक जो भी है इस पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है ये? सर ये तो एसेट होता है,
और आपने कहा एसेट प्लस होगा, यानी क्या होगा ये? सर ये डेबिट होगा, बिल्कुल ठीक। कैश या बैंक क्या होगा? डेबिट। दूसरा, इनकम है हमारा, रेवेन्यू हमारा, तो जो भी रेवेन्यू है, जैसे हम पहले को हम ले लेते हैं कमीशन रिसीव को, तो अगर मैं कमीशन को ले लूं, ये रेवेन्यू है, तो इसका बताओ क्या करेंगे? सर रेवेन्यू है यानी इनकम, इनकम ज्यादा समझ में आता है ना, इसलिए मैं बोल देता हूं इनकम, और ये क्रेडिट होगा। अच्छा, जर्नल एंट्री में डेबिट इसको करना है और क्रेडिट इसको करना है। अच्छा, डिविडेंड में क्रेडिट डिविडेंड होगा, इंटरेस्ट रिसीव में क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव होगा, रेंट में रेंट होगा। बिल्कुल सही जवाब बेटे आपका। चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री देखते हैं। ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये एलएफ, ये एलएफ जर्नल एंट्री पर्टिकुलर। चलिए देखते हैं, कमीशन रिसीव आपने बोला सर कैश को डेबिट करो, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट। हाँ सर, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, क्रेडिट करेंगे कमीशन रिसीव। सिर्फ कमीशन से बात बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी, जरूरी नहीं है कि आप कमीशन रिसीव ही लिखो, लिख दो तो चलेगा। कितने रुपए? 600 रुपये। कितने रुपए? 600 रुपये। ब्रैकेट में लिखोगे बींग, बींग क्या लिखोगे? बींग लिखोगे आप कमीशन रिसीव, ठीक है। फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, डिविडेंड रिसीव। अब डिविडेंड रिसीव है तो डिविडेंड इनकम है, तो रिसीव तो कैश ही किया आपने, अगेन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करोगे डिविडेंड, डिविडेंड क्रेडिट करोगे डिविडेंड। कितने रुपए का है? सर 500 रुपए का है ये तो। ओहो, 500 रुपए का है, कोई दिक्कत नहीं। बींग क्या लिखोगे? बींग का मतलब समझ में आया ना? बींग का मतलब क्या होता है? जो आप रिसीव करते हो उसको बींग बोला जाता है, तो बींग डिविडेंड, डिविडेंड ठीक है। रिसीव मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा। अब बताओ इंटरेस्ट रिसीव में क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? इनकम का नाम, इंटरेस्ट रिसीव। रेंट में क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? रेंट सॉरी कैश अकाउंट, चेक है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में होगा रेंट। तो सिंपल तरीके से समझते हैं, देखो इनकम को हमने करा, एक तो खरीदा जो था हमारा इनकम में सेल्स, और एक था अदर इनकम। अदर इनकम में क्या होगा? जब कभी भी इनकम रिसीव करोगे या तो चेक में होगा या तो कैश में होगा। चेक होगा तो बैंक को डेबिट करना है, जैसे कि यहाँ पे है, और या कैश होगा तो कैश को डेबिट करना है। क्रेडिट बात करें तो कमीशन होगा, और कमीशन क्रेडिट का मतलब रेवेन्यू, तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या करा मैंने? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि कमीशन रिसीव है, कैश डेबिट करो रूल के हिसाब से। और ये रूल कौन से? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट ही तो है। और ऐसे आपको मैंने 4 एंट्री लिखा, तो ये आपका क्या करोगे? डिविडेंड के 2 एंट्री कर दिया, ये होमवर्क आपने ट्राई करना है। होमवर्क आपको कुछ नोट्स भी दूंगा, उस नोट से भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है बच्चे? चलिए नोट करिए इसको, फटाफट से आप इसको नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। अभी तक हमने बिजनेस स्टार्ट की जर्नल एंट्री कर दी, हमने आपका एक्सपेंस और इनकम 3 चीजों की कर दी, अब लाइबिलिटी और एसेट्स, बस और कुछ नहीं है।
कर लिया नोट? अच्छे से नोट करना है, बहुत ही अच्छे से नोट करना है, जल्दी जल्दी करिए, फटाफट नोट करिए, ठीक है? चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसे मिटा दूं मैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कराओगे सर? कराएंगे ना आज आपको, अगला कॉन्सेप्ट कराएंगे हम, जब आप पैसे रिसीव करोगे या पैसे जमा करोगे उसकी एंट्री, ठीक है? पैसे को रिसीव करने का या पैसे को जमा करने का, तो ये भी तो आना चाहिए, पैसे रिसीव या डिपॉजिट। तो अगली एंट्री है कैश रिसीव या फिर डिपॉजिट, और डिपॉजिट स्लैश करके मैं पेड भी कर देता हूं, ठीक है? चलिए ठीक है सर, लिखना है आपने, है थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है ये, मैं पहले लेके चलता हूं आपको रिसीव वाले के लिए, रिसीव वाले के लिए, ये रिसीव्ड वाले के लिए पॉइंट कर रहा हूं। या तो आप पैसे रिसीव करोगे कहां से? बैंक से, या तो फ्रॉम बैंक होगा, ठीक है? या तो बैंक से पैसे आप जाओगे निकालोगे, तो एक तरीके से पैसे रिसीव ही तो किए आपने, या हो सकता है किसी पर्सन से होगा, या फिर किसी पार्टी से, फ्रॉम पार्टी, या हो सकता है फ्रॉम पार्टी, ठीक है? अब अगर बैंक से रिसीव करोगे तो क्या क्या स्टेटमेंट हो सकता है? नंबर वन, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक 500 रुपए। और क्या हो सकता है? कैश विड्रॉन विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर कैश विड्रॉन भी लिखो तो मतलब बैंक से ही है, चलो 100 रुपए। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है चेक एंड कैश, चेक एंड कैश मतलब चेक ले गए और उससे पैसे निकाल के लिए, चेक एंड कैश 10,000 रुपीज। और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है? बस ये तीन तरीके के वर्ड होंगे जब आप बैंक से पैसे निकालोगे। इसके ऊपर रूल देखो, रूल क्या कहता है? आपका एक तो कैश प्रभाव हो रहा है, हाँ सर, एक बैंक प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो, यही बात तो समझ नहीं आ रहा, दोनों चीज कैसे प्रभाव हो रहा है। बच्चे जब अपने बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक माइनस होगा और कैश क्या होगा? प्लस होगा। अच्छा सर, कैश का नेचर बताओ सर, इसका नेचर भी एसेट है और बैंक का सर इसका भी नेचर एसेट्स, अब कैसे करोगे? अभी बताता हूं बच्चे, ध्यान से देखो, कैश प्लस हो रहा है यानी इसे होना चाहिए डेबिट, है कि नहीं? बैंक माइनस हो रहा है यानी इसको होना चाहिए क्रेडिट, क्लियर है आपको? इसको होना चाहिए क्रेडिट। ओहो, तो जर्नल एंट्री बताओ सर, हम बताएंगे जर्नल एंट्री, बिल्कुल बच्चे आप बताओ जर्नल एंट्री, इधर करके दिखाओ जर्नल एंट्री, सर एक का कर दो बाकी का हम कर देंगे। कुछ बच्चे देखो क्या कह रहे हैं कि सर नहीं आप एक का भी मत करो, हमें करने दो। अब मैं क्या करूं, मेरा मार्कर बोल रहा है जल्दी जल्दी एक जर्नल एंट्री करके दिखाओ, बाकी तो बच्चे कर लेंगे, एक जर्नल एंट्री करके दिखा दो बस, है एक जर्नल एंट्री बस, बिल्कुल बस एक जर्नल एंट्री। चलो LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू, टू क्या होगा? बैंक क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट। ओहो बड़ा आसान था ये तो, पहले का 500। बीइंग क्या लिखोगे सर? बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग क्या लिखेंगे? अभी लो बीइंग, बीइंग कैश विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब निकालना। अगर पर्सनल यूज के लिए निकालोगे ना तो वो ड्राइंग होगा, तो ड्राइंग का डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है?
चलो सर, दूसरी दूसरी भी ऐसे, सर तीसरी तीसरी भी ऐसे, अच्छा सर ये हमें होमवर्क दे दो। चलो आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो दे देते हैं होमवर्क। अब इसको एक बार फटाफट नोट करो, फिर हम आएंगे किस पे, पार्टी से जब लेते हैं तो उस पे आएंगे। इसको जल्दी जल्दी नोट करो क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है बच्चे। पार्टी पे आएंगे फिर हम, कि पार्टी से कैसे किया जाएगा। जल्दी जल्दी करो, फटाफट से करो नोट। कर लिया नोट? हाँ सर, नोट कर लिया। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, फ्रॉम पार्टी पे। साफ साफ नोट करना है बच्चे आपको, फ्रॉम पार्टी। यहां से लिखना चालू करते हैं, फ्रॉम पार्टी। पॉइंट नंबर वन, मैंने लिखा कैश रिसीव, तो इसके अंदर भी दो पॉइंट कर देता हूं, ठीक है? फ्रॉम पार्टी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। दो पॉइंट सर, कितने बार दो दो पॉइंट करते हो सर आप, बस परेशान करते हो। नहीं बच्चे, दो पॉइंट कर देते हैं। एक होगा विद डिस्काउंट, किसी से अगर पार्टी से पैसे लोगे तो बोल सकता है ना, मेरे 2 रुपए छोड़ दो सर, 5 कुछ कम कर लो वो। और एक विदाउट डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट। अच्छा, एक विद डिस्काउंट, एक विदाउट डिस्काउंट। विद डिस्काउंट का एग्जांपल देखो, नंबर वन कैश रिसीव फ्रॉम राम 1,000 एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट 50 रुपये। अच्छा सर, दूसरी एंट्री अमाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन मोहन, अमाउंट ड्यू ऑन मोहन ₹2,500, बट रिसीव, रिसीव्ड 2,000, 2,000 इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। हाँ जी, चलिए सर और कोई बताओ डिस्काउंट की। बिल्कुल बताते हैं,
अमाउंट अमाउंट ड्यू ड्यू रुपीस 6,000 एंड रिसीव रिसीव्ड 5,700। चलो अभी मैं थर्ड पॉइंट पे चर्चा करूंगा, पहले इसका देखें। पॉइंट नंबर वन अमाउंट 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 ड्यू रुपीज 6,000 रुपीज 6,000 एंड रिसीव रिसीव्ड। नंबर दो कैश रिसीव कैश रिसीव कैश रिसीव रुपीस 2,000 फ्रॉम सोनल सोनल। तीसरा कैश रिसीव या चेक रिसीव फ्रॉम सोनाली सोनाली रुपीस 6,000। अब इसमें देखो विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट में क्या फर्क है, हम इसकी बात कर रहे थे विद डिस्काउंट। तो विद और विदाउट मेरा मार्कर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। चलो देखो विद डिस्काउंट में अगर डिस्काउंट बोलता है तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा, अगर फुल सेटलमेंट हो तो डिस्काउंट पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे देखो लेने 6,000 थे और लिए 5,700, तो यहां डिस्काउंट नहीं है, ये एंट्री यहां के लिए मानी जाएगी। मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया, एंट्री यहां की नहीं है, ये एंट्री यहां की होगी। यहां पे देखो अमाउंट ड्यू 6,000 रिसीव 6,000 ड्यू थे रिसीव हो गए, कैश रिसीव 2,000 फ्रॉम सोनल रिसीव हो गया, चेक रिसीव फ्रॉम सोनाली 6,000 रुपए। तो देखो जब कभी भी सेंटेंस में लिखा हो फुल सेटलमेंट या डिस्काउंट तभी आपने डिस्काउंट मानना हो। ड्यू इतना था और इतना लेना है तो इसका मतलब क्या है इस वाली एंट्री का, 6,000 लेना था लेकिन मिला 57, तो बाद में हम 300 रुपए इससे ले लेंगे। इसका मतलब यह होगा कि बाद में इससे 300 रुपए हम क्या करेंगे ले लेंगे। अच्छा जी चलिए 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 अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट एलएफ पर्टिकुलर। चलो बेटा पहले मैं आपको इस सिंपल वाली करके दिखाऊंगा, इसके रूल की बाद में बात करेंगे। यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व हैं, या तो कैश इन्वॉल्व है या बैंक इन्वॉल्व है। और जब रिसीव करेंगे तो बताओ इस पे क्या फर्क पड़ेगा। सर जब रिसीव करोगे तो मैं बताता हूं, जब रिसीव करोगे तो प्लस होगा, बिल्कुल सही। और एक पार्टी इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, पार्टी, पार्टी नेम भी हो सकता और नहीं भी पता। तो अगर नेम पता है तो नेम है, नेम नहीं पता तो किससे लोगे, आप डेटर मान सकते हो क्योंकि डेटर से ही तो पैसे लेने हैं, आप डेटर मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो एसेट्स है और पार्टी से जब पैसे मिलेंगे तो घट जाएगा हमारा, तो यहां भी एसेट्स है और यहां भी एसेट है। लेकिन यहां पे कैश हमारे जेब में आएगा पॉकेट में आएगा तो हमारा डेबिट होगा प्लस के कारण। यहां हमारा पहले मैंने डेटर 20,000 का था, अब मान लिया कि मेरा डेटर क्या है कि कुछ डेटर कम हो गए 2,000 रुपए के, तो फिर मेरा डेटर 18 का रह गया तो माइनस होगा हमारा, तो ये होना चाहिए क्रेडिट। अब बताओ जर्नल एंट्री, सर बहुत आसान है पहले वाले की, तो पहले वाले की जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट नाम नहीं पता टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। क्या सीख रहे हैं हम, जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, कितने रुपए का 6,000 का, 6,000 का बींग 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 क्या लिखे बताओ, कैश रिसीव कैश रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ठीक है। अगली एंट्री थर्ड करेंगे, इसका भी सेम होगा, कैश रिसीव फ्रॉम सोनल, सोनल से कैश रिसीव किया, चलो सर कर देता हूं,
कर दो सर इसकी एंट्री। तो सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू सोनल। क्या सोनल के साथ अकाउंट आएगा? नहीं सर, नाम के साथ कभी अकाउंट वर्ड नहीं लगाते, अगर लगाना ही तो एपोस्ट्रॉफी लगा के लगाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सोनल कितने? 2000। ओके 2000। ओके बीइंग बीइंग कैश रिसीव्स फ्रॉम सोनल। थोड़ा स्पेस कम नहीं है, थोड़ा साफ साफ नहीं लिख रहा हूं, उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप इस वाली एंट्री में। अगली एंट्री, चेक रिसीव फ्रॉम सोनाली। तो चेक है तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री सर सिंपल करेंगे, हमारे बैंक में पैसा आएगा तो मैं विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूं, बैंक टू सोनाली। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सिग्निफिकेंट मैनर कहाँ गया? अरे वो आपने करना है, मैं बस करके दिखा रहा हूं। 6000, 6000 ठीक है, बिंग आपने लिखना है। तो अभी हमने विदाउट डिस्काउंट वाले जब पैसे रिसीव करेंगे तो उसकी बात करी, इसके बाद हम करेंगे विद डिस्काउंट वाले पॉइंट्स की बात। तो विद डिस्काउंट वाली पॉइंट की भी बात करेंगे, तो ये थोड़ा सा है आपका ट्रिकी। अच्छा सर ये चौथी वाली भी कर दो ना। ठीक है बेटे, मैं चौथी वाली एंट्री भी कर रहा हूँ। यहाँ कितना पैसा मिला? यहाँ 5700 मिला, 6000 लेने थे और किससे मिला पता नहीं, तो डेटर लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ये भी डायरेक्ट कर रहा हूँ विदाउट फॉर्मेट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। टू डेटर कितने रुपए? 5700। 6000 थोड़ी ना मिला है, 5700। तो देखो जब बैंक से पैसे रिसीव कर रहे थे तो कैश डेबिट हो रहा था और बैंक क्या हो रहा था, कम। अब किसी पार्टी से रिसीव करोगे तो फिर से कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा जो भी पार्टी से मिलेगा, और क्रेडिट किसे करोगे? क्रेडिट करोगे उस पार्टी के नाम को। अगर नाम नहीं पता तो कस्टमर कर दो, कस्टमर भी नहीं लिखना तो डेटर कर दो, ये भी ठीक रहेगा। अच्छा सर अब मैं डिस्काउंट वाली करके दिखाऊंगा, इसे जल्दी जल्दी नोट करो, फिर मैं डिस्काउंट वाली एंट्री करता हूँ। आप फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी जल्दी साफ साफ नोट करना, ईमानदारी के साथ फटाफट नोट करिए आप। कर लिया नोट? हाँ सर नोट कर लिया, डिस्काउंट वाले भी करा दो ना फटाफट। बिल्कुल बेटे मैं डिस्काउंट वाले भी कराऊंगा। ओहो डिस्काउंट वाले मिट जाता, आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो, सब करा दो सब करा दो। अभी गलत हो जाता, देखा अभी गलत हो जाता, ये कर लिया, चलो हटा देते हैं इसे। अच्छा है सर ये भी हटा दो, ये लो जी हटा दिया। अब इस पे रूल लगाते हैं, देखो डिस्काउंट वाली पे सर यहाँ पे तो डिस्काउंट भी है, हाँ यहाँ एक कैश इम्पेक्टेड है, एक डिस्काउंट इंपैक्टेड है और एक आपका नेम इंपैक्टेड है। तीन चीजें हैं, नेम नहीं हो तो क्या होगा? डेटर होगा। ठीक है सर, कैश की जगह पे क्या हो सकता है? बैंक भी हो सकता है, बात एक ही है, आज के टाइम पे सारा काम तो बैंक से ही होने वाला है। अब सारे ट्रांजैक्शन, अभी मेरे पास मैसेज आया कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो बैंक में आप अपने बिजली का बिल जमा कराने ना आए, बैंक से ही पेमेंट करें। ये लो मैं तो कैश जमा करता था, बैंक से करना पड़ेगा बताओ। ठीक है तो बैंक या कैश, सबसे पहले ये हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है सर? ये तो एसेट है, बिल्कुल ठीक जवाब। और जब आप रिसीव कर रहे हो तो क्या होगा सर? ये प्लस होगा, यानी ये डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। डिस्काउंट क्या है? जैसे आप किसी से पैसे लेने गए और बोला अपने फ्रेंड को 20,000 रुपए दिए, फ्रेंड से बोला कि यार 20,000 दे रहा हूँ कुछ पार्टी वार्टी दे दे, बोला एक काम कर 100 रुपए ले तू पार्टी कर दे मेरे 19,900 दे, तो आप डिस्काउंट तो दे रहे हो। तो डिस्काउंट दोगे तो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस,
ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है, ये याद रखना है। और ये भी होगा डेबिट। अच्छा, नेम, नेम क्या है सर? ये एसेट है या डेटर होगा ये? ठीक है सर। और ये हमारा एसेट्स क्या होगा? जब किसी से पैसे मिल जाएंगे तो मैंने माना था राम मुझे पैसे देगा, राम मुझे पैसे देगा, राम मुझे पैसे देगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? राम ने मुझे पैसे दे दिए। तो पहले 20,000 लेने थे राम, तो 20,000 मेरा एसेट्स था, लेकिन जैसे ही उसने 5 दिए तो मेरा एसेट्स रह गया 15,000 रुपए का। तो यहाँ पे कम होगा, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। बस सर, इतनी सी बात। अब हम कर सकते हैं जनरल एंट्री, बिल्कुल हम कर सकते हैं जनरल एंट्री। अब आप मुझे करने दो, नहीं आपको ही करने दूंगा। बस आप एक बार ये वाली देख लो। अभी रिसीव वाली तो कर ली हमने, पेमेंट वाली भी तो करेंगे, पेमेंट वाली भी तो करेंगे। चिंता क्यों करते हो? पेमेंट वाली भी तो करेंगे हम। आप क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ, मैं करूंगा। आप बस देखो, अभी मैं आपके साथ हूं। अब आगे ही मेरे पास सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है सर। सर पहले एंट्री में कैश रिसीव किया 1,000 और डिस्काउंट था 50 का, तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कितने का? कैश अकाउंट डेबिट 1,000, और डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट अलाउड भी लिख सकते हो, डिस्काउंट डेबिट कितने का? 50 का। अब मुझे बताओ टोटल पैसे कितने लेने होंगे? टोटल पैसे बताओ कितने लेने होंगे? सर टोटल पैसे कितने लेने होंगे? टोटल पैसे देखो, कैश रिसीव आपने कितना किया? 1,000, और उसके बाद बोल रहे हो आप कि 50 रुपये मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दिया। तो रिसीव 1,000 हाथ में है, 50 छोड़ दिया, तो टोटल कितने लेने थे? 1,050। नहीं समझ में आया? अरे समझो बात को, मुझे आपको देने थे कुछ भी पेमेंट। मैंने बोला कि आपसे मैंने रिसीव किए 500 रुपये, और मैंने बोला चलो 10 रुपये मत दो, रहने दो, और मैं 500 रुपये के चला गया। तो अब हिसाब किताब हो गया बराबर। तो अब बताओ मुझे कितने लेने रहे होंगे? 510 रुपये। बिल्कुल ठीक। अब किससे है ये सारा ट्रांजेक्शन? राम से। तो राम के साथ तो अकाउंट लगेगा नहीं, ये आ जाएगा 1,050 बीइंग कैश, कैश रिसीव, 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 सेकेंड एंट्री, फर्स्ट केस सेकेंड। अमाउंट ड्यू ऑन मोहन 2,500, बट रिसीव 2,000 इन फुल सेटलमेंट। ओहो, फुल सेटलमेंट, लेना 2,500 था लेकिन मिला कितना? सिर्फ 2,000। फिर से, अब चेक मिला या नहीं मिला? अगर चेक मिलता तो क्या लिख देते? कैश। अब यहाँ कैश है, चलो लिख देते हैं कैश है, तो कैश है लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट। चलो मैं अमाउंट ड्यू ऑन मोहन बट रिसीव फुल सेटलमेंट 2,000 बाय चेक लिख दिया। चलो लो, आपकी इच्छा पूरी। तो चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिले? बैंक अकाउंट डेबिट सर यहाँ पे तो मिला हमें 2,000 रुपये। बिल्कुल सही बच्चे। डिस्काउंट कितना दिया सर? डिस्काउंट, डिस्काउंट डिफरेंस आएगा ना, 500 रुपये। बिल्कुल ठीक। और टू मोहन, टू मोहन, मोहन कितने का? 2,500। इसका बिंग आप लिखोगे। समझ में आया आपको? तो हमने रिसीव का करा, या तो बैंक से रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टी से रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और अगर डिस्काउंट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट और टू आपका जो पार्टी है। यही तो डबल एंट्री है, कंपाउंडेड एंट्री है। देखो दो चीजें डेबिट होगा, एक समान होगा। अब हम पेमेंट वाली बात करेंगे, तो फटाफट नोट करिए, फिर पेमेंट वाली बात करते हैं। चिंता मत करिए, बस आप फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट। सुंदर सुंदर नोट करना है। कर लिया नोट? सर थोड़ा टाइम दो। हाँ बेटे, मैं पूरा टाइम देता हूं आपको, आप नोट करो।
चलिए कर लिया नोट। हाँ जी सर कर लिया, आपने पूरा टाइम दिया हमें। ओके, पूरा टाइम दिया मैंने आपको। चलिए अब हम ये एंट्री जो करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं पेमेंट की, पेमेंट की, पेमेंट की। अच्छा फ्रॉम पार्टी भी लेंगे, और पेमेंट तो हम किसको करेंगे, टू करेंगे ना, पेड टू, टू पार्टी, या फिर एंट्री करेंगे हम डिपॉजिट की, पेड टू बैंक, या पेमेंट करेंगे टू बैंक, टू बैंक। ठीक है चलिए, पहले मैं बैंक वाली एंट्री करता हूँ फिर ये करूँगा, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलो पहली एंट्री, पहली एंट्री कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इनटू बैंक 4,000 रुपये। ठीक है सर। नंबर दो कैश सेंट इनटू बैंक 1,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। नंबर तीन कैश सेंट के बाद सिर्फ लिखो डिपॉजिट, तो क्या डिपॉजिट किया, कैश ही तो क्या होगा, डिपॉजिट इनटू अजम्पशन रहता है बैंक, बैंक 500 रुपये। ठीक है बच्चे 500। अब इसके रूल की चर्चा, पैसा जमा कराओगे तो अगेन आपका एक तो कैश इंपैक्ट होगा है ना, और एक बैंक इंपैक्ट होगा। अभी किया था ना आपने, रजिस्टर ओपन रखना है, मैच करना है, एक कैश इंपैक्टेड होगा और एक बैंक इंपैक्टेड होगा। अगर मैं कैश इंपैक्टेड की बात करूं तो कैश क्या होगा, जब जमा करेंगे पैसे बैंक में जमा कर दूंगा तो मेरा कैश तो कम हो जाएगा, तो कैश है क्या हमारा सर, कैश तो एसेट है, होगा माइनस होगा। बैंक क्या है हमारा, एसेट है, और मेरे बैंक का बैलेंस क्या होगा सर, प्लस होगा। तो जब एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट होगा सर, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। अब समझ में आ गया, ये जनरल एंट्री देखो कैसे करके दिखाता हूं मैं, बस करके दिखा दो आप जनरल एंट्री। चलिए जनरल एंट्री, चलिए एलएफ डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर, जर्नल, जर्नल। ठीक है बच्चे, हाँ सर एकदम ठीक है। चलो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000, तो सर रूल के हिसाब से बैंक डेबिट होना चाहिए और कैश कम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे बताओ सर, टू कैश। अरे वाह, इसको कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं सर, कॉन्ट्रा, हाँ, क्योंकि इस एंट्री में ना तो पैसा आ रहा है ना तो जा रहा है, बिजनेस में ही पैसा घूमता है। लिखा कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट कितने रुपए का, 4,000 का। सर एलएफ वाला कॉलम क्यों बनाते हो, बनाना पड़ेगा, रूल है अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा एंट्री होता तब यूज करते हैं। दूसरा कैश सेंट इनटू बैंक, अगली एंट्री सर सेंट इनटू बैंक, बात एक ही है कि पैसा बैंक में भेजा गया यानी पैसा जमा कराया गया, तो एंट्री क्या करेंगे, सेम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, एंट्री सेम ही होना है, चिंता मत करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए से होगा सर, 1,000 से। अच्छा बिंग लिख दो सर, नहीं बिंग अब आपको लिखना है और ये आपका होमवर्क में रहेगा, जल्दी जल्दी नोट करिए, इसको भी खत्म करेंगे फिर, बस खत्म होने वाला है ये चैप्टर भी, ज्यादा देर नहीं रहेगा, फटाफट से नोट करिए आप जल्दी जल्दी।
कर लिया नोट, जल्दी करिए नोट, अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो सर, ये भी नोट कर लिया। सर अब तो मजा आ रहा है हमें जर्नल एंट्री में। मैंने पहले ही बोला था बेटे, मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपको बहुत मजा आने वाला है। हाँ सर, आपने पहले बोला था लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप पे विश्वास हो गया हमें। अब आप बस पढ़ाते जाइए और हम पढ़ते जाएंगे। चलिए विद डिस्काउंट, पहले मैं विद डिस्काउंट का लिख रहा हूं, ठीक है? जैसे अमाउंट ड्यू ऑन राजा रुपीज 6,000 बट पेड 5,700 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा सर, फुल सेटलमेंट में अगली एंट्री की बात करते हैं। हाँ सर, अगली एंट्री की बात करते हैं। अगली एंट्री पेड, डायरेक्ट मैं पेड की बात कर रहा हूं, पेड रुपीस 1,000 टू मीना एंड डिस्काउंट 500 रुपीस। हाँ सर, चलिए अब विदाउट डिस्काउंट वाली का लिखता हूँ मैं। सर इधर लिखो ना, बिल्कुल ठीक, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है? इसके नीचे जरूर है लेकिन मैं विदाउट वाले का लिख रहा हूँ। पॉइंट नंबर वन पेड पेड टू रामू रुपीस 2,000। नंबर टू पेड या फिर चेक गिवन टू सोहन रुपीस 600। ठीक है सर, एक और एंट्री बता दो सर। अमाउंट अमाउंट ड्यू रुपीस 3,000 बट पेड 2,700। अब सबसे पहले देखो डिस्काउंट पहचानने का क्या तरीका है। यहां पे जब फुल सेटलमेंट आ गया तो डिस्काउंट आ गया, और जब डिस्काउंट बोल दे तब तो डिस्काउंट है ही है। यहां पे कोई फुल सेटलमेंट नहीं है, नहीं डिस्काउंट, यहां पे कोई फुल सेटलमेंट। स्टूडेंट क्या करते हैं इसके बीच में ना, डिस्काउंट मान लेते हैं कि डिस्काउंट होगा, लगता है उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक फुल सेटलमेंट ना हो डिस्काउंट नहीं है। अमाउंट ड्यू 3,000 और पेड 2,700, तो बाकी 300 बाद में देंगे, तो जब देंगे तब एंट्री करेंगे ना, अभी एंट्री नहीं करना। और जर्नल एंट्री को हम एंट्री भी बोल देते हैं। अच्छा सर, चलो इसका फॉर्मेट बना लो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, आपने एक बार मुझे बोल दिया था सिग्निफिकेंट मैनर नहीं है, तो अब तो मैं फॉर्मेट से ही करूंगा, अब तो मैं फॉर्मेट से करूंगा। बिल्कुल ठीक, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है सर। चलिए अमाउंट ड्यू राजा, राजा पे अमाउंट ड्यू हुआ है। चलिए या तो पहले रूल देखते हैं, ठीक है ना? मैं किसके रूल दिखाऊं? चलो पहले ये वाला रूल बता देता हूं, इसके नीचे है तो सिंपल। रूल क्या है, कहाँ लिखे सर? यहाँ लिख दो ना रूल। ठीक है सर, मैं यहीं लिख रहा हूँ रूल, क्यों चिंता करते हो? देखो एक तो कैश इन्वॉल्व है, या बैंक बोल लो, ठीक है ना, एक डिस्काउंट इन्वॉल्व है, ठीक है सर, और एक नेम इन्वॉल्व है। तो देखो कैश या बैंक जब पेमेंट करोगे तो क्या होगा, है तो वैसे एसेट, एसेट तो है, लेकिन होगा क्या सर, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, मतलब क्रेडिट। अब डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट बताओ रिसीव है अलाउड है,
देखो जैसे जब मैं पेमेंट दूंगा, मैं दुकानदार पे गया, मैंने बोला दुकानदार जी कितने पैसे देने हैं। दुकानदार जी ने बोला 1 लाख दे दो। मैंने बोला पूरे देने हैं क्या? उसने बोला चलो आप 500 कम देने हैं। तो मैंने 99,500 दिए, तो 500 रुपए का मैंने डिस्काउंट का क्या हुआ? फायदा। तो मैं पैसे दे रहा हूँ तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे? फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो ये क्या है हमारा? ये हमारा डिस्काउंट रिसीव, रिसीव तो फायदा है, तो फायदा कहाँ जाएगा? इनकम है, रेवेन्यू है, जो भी बोल लो, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। नेम, आप किसी को क्यों पैसे दोगे? क्योंकि वो क्रेडिटर होगा, क्योंकि वो क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। अब जब पैसे दे ही दोगे तो क्रेडिटर क्या होगा? कम हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो सर यहाँ पे दो चीजें क्रेडिट वाली है और एक चीज है डेबिट वाली है। तो क्रेडिट में बैंक होगा और ये, पहले डेबिट वाले को देखते हैं। तो पहले किसका? राजा। तो एंट्री करेंगे राजा, राजा डेबिट कितने से? पूरे अमाउंट से 6,000, 6,000। और क्रेडिट में क्या करेंगे? मेरे पास से कैश गया, कितने गए? 5,700 रुपये, यही है ना, कैश आपने 5,700 दिया। डिस्काउंट फायदा, इसलिए इनकम। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव कितने का? 300 रुपये का। हाँ सर बिल्कुल ठीक। बीइंग, बीइंग डिस्काउंट रिसीव, सॉरी कैश पेड, कैश पेड आगे लिख सकते हो, फुल सेटलमेंट, ठीक है। अगली एंट्री की बात करो, अगली एंट्री में क्या करेंगे? अगली एंट्री की बात करो, बिल्कुल अगली एंट्री की बात करते हैं। अगली पेड 1,000 रुपये, मीना एंड डिस्काउंट 500 रुपये। अब देखो यहां मैंने मीना को 1,000 दिए और डिस्काउंट 500, तो इसका मतलब मीना से जो लेना रहा होगा वो 1,500 लेना होगा। तभी तो मैंने 1,000 देने के बाद भी डिस्काउंट कितना मिल गया? 500। तो टोटल 1,500 देने रहे होंगे और 1,000 दे दिए और 500 का डिस्काउंट मिल गया। सर इसकी भी एंट्री कर दो। अरे इसकी एंट्री तो आप भी कर सकते हो। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। कहाँ करके दिखाऊँ? ये नीचे कर देता हूँ। क्या आपको दिख रहा है ये? सर बिल्कुल करके दिखा देता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ नीचे। ओके आपको नीचे करके दिखाते हैं। चलिए पेड 1,000 रुपये टू मीना एंड डिस्काउंट 500 रुपये। चलिए एंट्री करते हैं पेड टू मीना एंड डिस्काउंट। कैसे करेंगे? मीना को पेड किया जा रहा है और डिस्काउंट 500 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा नाम मीना टू कैश टू डिस्काउंट, मीना टू कैश टू डिस्काउंट। मीना में कितने आएंगे? 1,500 और 1,000 और 500, ठीक है। चलो हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्या नीचे विजुलाइज हो रहा है आपको? चेक करिए एक बार, फटाफट चेक करते हैं कैमरे में जाके। हाँ बिल्कुल सर, अब तो बहुत दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। चलो यही तो चाहता हूँ, आपको सब कुछ दिखे और सब कुछ आए। इसका रूल बनाओ सर, इसका रूल बनाओ। अरे ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे दो ही चीज इन्वॉल्व है, एक नेम और एक कैश या बैंक। हाँ सर अब बताओ, जब कभी किसी को पेमेंट दोगे तो क्यों पेमेंट दोगे? क्योंकि वो मेरा होगा क्रेडिटर, देने होंगे। क्रेडिटर मतलब वो हमारा होगा लाइबिलिटी। हाँ सर, और जब पेमेंट देंगे तो लाइबिलिटी क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो मतलब क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। यही बात मैं आपको यहां समझा रहा था, स्पेस ना होने की वजह से मैंने यहाँ डिटेल में समझा दिया, ठीक है। कैश, कैश देंगे तो कैश तो एसेट है, ठीक है सर, लेकिन जब किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? माइनस, और माइनस एसेट्स को मतलब डेबिट, बिल्कुल ठीक, सॉरी माइनस का मतलब क्रेडिट, ठीक है। अच्छा सर इसकी भी एंट्री कर दो, बिल्कुल इसकी भी एंट्री करते हैं, चिंता मत करो। ओहो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा सर, वही मैं सोच रहा था। आप क्या कर रहे हो, इतने छोटे छोटे कॉलम बना रहे हो? एलएफ का छोटा बना दूं? हाँ सर इसका कोई काम नहीं है, बना दो आप, ठीक है। चलो चलिए पेड
पेड रामू को किया है, तो नाम डेबिट करो, तो रामू रामू डेबिट, नाम के साथ तो अकाउंट नहीं आएगा। सर नाम तो लिख दो, ये लो बेटे लिख दिया, क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर डेट, रामू डेबिट टू। अब बताओ क्रेडिट क्या होगा? सर कैश या बैंक, क्या पेमेंट किया है? कैश, तो ये लो कैश, कैश अकाउंट, ठीक है। बींग बींग पेड टू रामू, पेड टू रामू कितने रुपए का? 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, ठीक है। पहली एंट्री। सर दूसरी भी करके दिखाओ। बिल्कुल, सोनल को पेड किया है, तो सोनल डेबिट, बैंक क्रेडिट। सर बैंक क्रेडिट होगा, बिल्कुल, इसका बिंग आप लिखोगे, है ना? लिख लोगे ना बिंग? हाँ सर, क्या चेक पेड, चेक गिवन टू सोनल, बिल्कुल ठीक। तो चलिए एक बार फिर समराइज करते हैं। हमने देखा सबसे पहले इनकम की बात, अगर मैं अभी पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट में एक क्या था हमारा, एक पेमेंट के अंदर हमारा था बैंक में पैसे जमा कराना, जिसके दो तीन पॉइंट देखें। तो एंट्री क्या था? बैंक में पैसे जमा होगा, बैंक हमारा एसेट्स है और ये कैश है, बैंक में पैसा जाएगा टू बुक और एसेट्स हमारा हो जाएगा कम, यानी कैश कम और बैंक ज्यादा। तो देखो पहले बैंक फिर कैश, समझ में आया? फिर से इसके बाद हमने पेमेंट किया, तो पेमेंट किया, मेरा क्रेडिटर है और मेरा कैश दोनों है, पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को देंगे, ये कम होगा, तो क्रेडिटर कम हो गया, कैश कम हो गया, जब कैश कम हुआ तो मेरा कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्रेडिटर क्रेडिटर भी कम हो गया, दोनों बराबर, क्रेडिटर लाइबिलिटी भी कम और एसेट्स भी कम, लाइबिलिटी कम तो डेबिट, और ये क्रेडिट एंट्री बन गया हमारा, लाइबिलिटी टू कैश या बैंक। डिस्काउंट वाली बात करते हैं, जब कभी फुल सेटलमेंट या डिस्काउंट होगा तभी डिस्काउंट मानना है, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मानना। अब जल्दी जल्दी आप नोट करिए फटाफट, इसके बाद हम देखेंगे बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर, फटाफट से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर देखेंगे बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर, जल्दी जल्दी करना है आपने नोट। जल्दी जल्दी करिए नोट।
कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अब हम। चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री पे चलते हैं। अब करते हैं हम बेड डेट्स और बेड डेट्स रिकवर की। बेड डेट्स और बेड डेट्स रिकवर की बस आज का टॉपिक यहीं करेंगे, बेड डेट्स या बेड डेट्स रिकवर। या फिर बेड डेट्स रिकवर। आपको याद होगा ये हमने थ्योरी में देखा था। देख रहे हो अब थ्योरी सारा इंपॉर्टेंट था, अब आपको फटाफट पता चल जाएगा ये क्या है। तो देखो बेड डेट्स तो हमारे क्या होता है, तो ये डेबिट होगा एंट्री में जब भी होगा, लेकिन कब बेड डेट्स होता है समझना पड़ेगा। और ये इनकम होता है हमारे लिए रेवेन्यू, इसकी बाद में बात करते हैं। तो दो पार्ट में बांट देता हूँ। ओके सर, बांट दो अब दो पार्ट में। यहाँ पे दो पार्ट में बांट देता हूँ, ठीक है सर। पहले मैं बेड डेट्स की बात करूंगा। बेड डेट्स और बुक डेट्स क्या होता है, डेटर का ही दूसरा नाम बुक डेट्स होता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा बेड डेट्स रिकवर। बेड डेट्स रिकवर ठीक है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अमाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन राजा ₹6,000 एंड ही बिकम इंसॉल्वेंट ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड receive from him 20% only। अच्छा सर, राजा इंसॉल्वेंट हो गया और राजा जब इंसॉल्वेंट हुआ 6,000, लेकिन मिला कितना 20%, सिर्फ 1,200 ही मिल पाए। चलो पॉइंट नंबर टू, अमाउंट ड्यू ऑन राधा ₹1,000 एंड सी बिकम बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट ही लिख देते हैं, इंसॉल्वेंट एंड रिलाइज फ्रॉम हर, रिलाइज फ्रॉम हर, इससे कितना रिलाइज हुआ, रिलाइज हुआ सिर्फ 30 पैसा। क्या बोल रहे हो सर, 30 पैसा? हाँ जी, 30 पैसे का मतलब है 30%, ठीक है। ओके सर, थर्ड अमाउंट ड्यू ऑन, अमाउंट ड्यू ऑन वोडाफोन
वोडाफोन एंड बिकम इट बिकम इंसॉल्वेंट. नथिंग नथिंग रिसलाइज फ्रॉम इट. कुछ भी नहीं मिला. अच्छा सर, चलो सर रूल समझा दो अब इसका. देखो यहाँ तीन चीजें इन्वॉल्व है हर एक एंट्री में, और कुछ एंट्री में दो चीजें हैं. एक तो कैश, जब मिला है तो कैश मिलेगा, या सपोज करो आपको मिलता है बैंक से, ठीक है ना. दूसरे की हम बात करें तो कोई ना कोई तो जिससे पैसे लेना था तो वो नेम था. नेम अगर लेना था तो लेना था तो बेचा होगा सामान, डेटर होगा. हाँ सर ठीक है. तो ये भी एसेट है. बिल्कुल सर. और ये भी क्या है आपका? एसेट है. ये भी एसेट्स है. दोनों एसेट हैं. इसके बाद अब एक मेरा बेड डेट्स हुआ. बेड डेट्स हुआ तो बेड डेट्स जब हुआ मेरा पैसा डूब गया तो ये मेरे लिए क्या है? खर्चा है. खर्चा है. अब मुझे बताइएगा कैश रिसीव होगा, एसेट प्लस होगा. मेरा डेटर कम हो जाएगा पैसे मिलने की वजह से तो माइनस होगा एसेट. एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्लस होगा. तो बताइए मुझे एसेट प्लस होगा तो कैश को क्या करना चाहिए जर्नल एंट्री में? सर डेबिट करना चाहिए. नेम या डेटर को क्या करना चाहिए? सर क्रेडिट करना चाहिए. बैड डेट्स को क्या करना चाहिए? सर बैड डेट्स एक्सपेंस है तो डेबिट करना चाहिए. ठीक है. अच्छा सर समझ गए, बस इतनी सी बात. तो इन दोनों को डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे. अब देखिए जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री हर किसी को विजुलाइज है? हाँ सर हमें विजुलाइज है. ये लो. सर आप तो बिना फॉर्मेट के कर दो तब भी समझ जाएंगे. क्यों बनाते हो बार बार फॉर्मेट? आपके लिए बनाता हूं बस मैं. अगला बिना फॉर्मेट के करूंगा. ठीक है आपने बोल दिया तो अब बिना फॉर्मेट के करूंगा. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर. सर डेट नहीं लिखोगे? बिल्कुल डेट लिखेंगे लेकिन स्पेस की कमी होने की वजह से नहीं लिख रहा मैं. पहली एंट्री करता हूँ. पहली एंट्री के वर्किंग नोट. वर्किंग नोट टोटल कितना लेना था? 6000. 6000 में से कितने पैसे डूब मिले? सिर्फ 20%, 1200. तो डूबे कितने? 4800. तो ये तो बेड डेट्स है और ये कैश में रिसीव है. अच्छा सर अब एंट्री देखो. कैश मिला हमें तो डेबिट होना चाहिए. कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट सर 1200 रुपये. बिल्कुल ठीक जवाब. बेड डेट्स डेबिट. बेड डेट्स डेबिट. डेबिट कितना? बेड डेट्स डेबिट हुआ सर. बेड डेट्स डेबिट खर्चा इसलिए होगा 4800 रुपये डूब गए. ओहो. और टू नाम या डेटर क्रेडिट. नाम कौन है? किसने नहीं दिया? राजा. नाम का सिर्फ राजा. और इससे 6000 रुपये की डील थी. बींग 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 कैश रिसीव फ्रॉम राजा. बस यही चलेगा. कैश रिसीव फ्रॉम राजा. इनफ है ये. ठीक है चलो सर सेकेंड एंट्री बताओ ना. सेकेंड एंट्री का मैं बस वर्किंग नोट बताऊंगा आपने करना है. 1000 रुपये था. 1000 में से 30% मिल गए तो 300 रुपये. डूबे कितने? 700. तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपये. बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 700 रुपये. कौन है? राधा. टू राधा. राधा के साथ तो अकाउंट नहीं आता सर. बेड डेट्स के साथ अकाउंट नहीं लगाया. लगा देता हूँ. ये लो अकाउंट्स डेबिट. ठीक है चलो वर्किंग नोट नंबर 3 थर्ड के लिए कर रहा हूँ. अब इसमें वर्किंग नोट की जरूरत क्या है? अरे अमाउंट ही भूल गया. अमाउंट ड्यू ऑन वोडाफोन. ये लो मैं लिख देता हूँ 5000. ठीक है मैंने लिख दिया 5000. अमाउंट ड्यू ऑन वोडाफोन ये लो लिख दिया बड़ा बड़ा मैंने 5000. ठीक है सारा डूब गया कुछ नहीं मिल रहा तो बेड डेट्स. तो इस सिचुएशन में
क्या हमारा कैश इन्वॉल्व होगा? नहीं, इस सिचुएशन में सिर्फ ये दो पॉइंट ही इन्वॉल्व होंगे थर्ड वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं, तो एक तो क्रेडिट हो जाएगा नाम और बैड डेट्स हो जाएगा डेबिट। तो थर्ड एंट्री करने जा रहा हूं, एंट्री होगा बैड डेट्स। कितने रुपए का? सर 5,000, बाद में लिखा था वही लिख दो ना। और टू, किससे हुआ डील? ये वोडाफोन, वोडाफोन, ओहो वोडाफोन। और बींग, बींग, बींग क्या लिखना है? बैड डेट्स, वोडाफोन बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग रिकवर फ्रॉम इट। यहां पे भी बींग में ये लिख सकते हो, जैसे कि राजा है, राजा बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिलाइज या रिसीव ओनली आपका जो भी परसेंटेज है 20 पैसे। देखो रिलाइज का मतलब भी होता है मिलना, तो यहाँ पे कहा अमाउंट ड्यू ऑन राधा 1,000, तो रिलाइज मतलब सिर्फ मिल पाया 30 पैसा। बोलूं 10 पैसा बोलूं तो कितने परसेंट? 10%। 20 पैसा बोलूं तो 20 पैसा, 20%। ठीक है, अब जल्दी जल्दी नोट करिए, बस लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इसके बाद इस टॉपिक का। जर्नल एंट्री तो अभी है, बहुत बड़ा है, अभी तो बहुत कुछ करना है बैड डेट्स का। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, आप फटाफट से नोट करिए। कर लिया नोट? हाँ सर कर लिया नोट। अब जल्दी जल्दी, अब रफ्तार में नोट कर रहे हो आप तो, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगली एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री देखते हैं बच्चे। चलो अब बैड डेट्स रिकवर के लिए, बस बैड डेट्स रिकवर के लिए। चलो एंट्री नंबर 1, बैड डेट्स रिकवर के लिए मैंने लिखा। पहले बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने किसी को पैसे दिए और या सामान बेचा, वो पैसा हमारा डूब गया। सपोज करो हमारा पैसा डूब गया, तो जब हमारा पैसा डूब गया तो अब हमें उम्मीद तो है नहीं, तो बैड डेट्स हो गया, तो हमने एंट्री कर दिया बैड डेट्स का। लेकिन कभी कभी ना कभी वो डूबा हुआ पैसे मुझे वापस मिल गए, तो उसे बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर। तो जब पैसा डूबता है ना, तो उसे जीरो मानते हैं, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो मैंने लिखा अमाउंट ₹5,000 रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। इसका मतलब है पिछले साल मैं मान चुका था मेरा 5,000 डूब गया है, बट नाउ रिकवर फ्रॉम मनोज से क्या हुआ? रिकवर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो मेरा 5,000 रुपये पिछले साल डूब गया था, अब वो रिकवर हो चुका है। बिल्कुल ठीक। चलिए दूसरा सर, दूसरा सिंपल, बेड डेट्स रिकवर ₹6,000। 6,000 पूरा बेड डेट्स रिकवर हो गया। और कोई लैंग्वेज होगा? नहीं, बस यही लैंग्वेज होगा। तो बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या समझा है मैंने? कि हमारा जो पैसा डूब गया वो वापस मिल जाए, तो उसे बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर। और बैड डेट्स रिकवर हमारा पता है क्या होता है? एक तरीके से इनकम होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो क्रेडिट होना चाहिए। चलिए इधर करते हैं जर्नल एंट्री। सर आपने तो कहा था फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, क्या करूं, आदत है, और यही आदत आपको भी रखना है। अच्छी आदतें आपको रखनी है, और ये मेरी बहुत अच्छी आदत है। ऊपर जर्नल डेट, ठीक है। रूल देखो, एक तो हमारा बेड डेट्स रिकवर है,
जो कि मैंने बताया आपको, ये इनकम है कहीं ना कहीं। हमारा पैसा डूबा हुआ मिल गया तो इनकम, फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो ये हमारा क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि फायदा बढ़ रहा है। दूसरा, हमें पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा तो या तो कैश मिलेगा या क्या मिलेगा, बैंक मिलेगा। तो कैश या बैंक जो भी मिलता है क्या होगा बताओ सर? कैश या बैंक जो भी मिलेगा, तो कैश बैंक एसेट है, और मिलेगा तो मिलेगा का तो मतलब सर प्लस होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। और ये क्या होगा? डेबिट होगा। क्या समझ में आई बात आपको? हाँ सर समझ गए। अब हम एंट्री खुद करके दिखा सकते हैं, करके दिखा दो जल्दी जल्दी। पहली एंट्री, कैश को डेबिट करना है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और टू, बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर, रिकवर। थोड़ा स्पेस कम है, मैंने REC लिख दिया, ये रिकवर लिखना है आपने। किससे मिला छोड़ो, उसे जाने दो, हमारे तो डूबे हुए पैसे मिल गए, उस पर ध्यान लगाओ। तो बैड डेट्स रिकवर, बीइंग, बीइंग बैड डेट्स शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रिकवर रुपीज, जो भी अमाउंट मिला है वो लिख देंगे, जैसे कि 5,000 रुपये। क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। दूसरी एंट्री कर सकते हो, हाँ सर, बैड डेट्स रिकवर 6,000। कैसे होगा? सेम एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन बैड डेट्स रिकवर 6,000 बाय चेक। अगर चेक लिख दूँ तो सर अब तो बदल जाएगा, अब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। अच्छा ये बात है, ये मैं नहीं करूँगा, ये होमवर्क में रहेगा। अब फटाफट से नोट करिए और साफ साफ नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट नोट करिए। कर लिया नोट? जी सर नोट कर लिया। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे टॉपिक। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना अच्छे से। अगली क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून।